मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, जैम मैं देना भी हाँ नहीं चाहती टैलेंटेड थी। थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे। हाँ टैलेंटेड मतलब नहीं थे। तुम लोग से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि एकदम डीप में हम लोग वोट करें, मैं लेकिन जब फाइनल 11th 12th पटना में कर रहा था ना, तो वहां लोग 10 10 साल से जनरल कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं। मैं जब आया तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है। इससे पहले मैंने इंटर्नशिप करा था एक्सेंचर में। ये सर इतना अच्छा प्लेसमेंट जब होता है एमएस में, तो आप लोग प्लेसमेंट क्यों नहीं ले लेते? क्या स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का, क्या कर सकते एनआईटी हैं? त्रिची में जाते हैं और जा सकते हो आप लोग जो मैथ्स वाले लोग ज्वाइन किए उनके लिए बताना चाहते हैं। क्या ही बताऊं, मतलब पूरा मतलब चेंज ही है सब, लाइफ चेंजिंग मोमेंट है वो हमारे मेरे लिए। लेकिन इस टाइप से एवरेज मेहनत में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये। और स्टैटिस्टिशियंस को कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ता? मैं जेपी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैंने मतलब बीएससी मैथमेटिक्स किया था यहाँ से। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहते हूँ शशि सर, संतोष सर को, कि वो उन लोगों ने बहुत हेल्प करी मेरे जाम के टाइम पे। आई वाज हाँ टैलेंटेड बिहार के हर बच्चे होते हैं जैसा मैं मानता हूँ, बस कॉन्फिडेंस नहीं था। कौन शशि सर और संतोष सर से मिल करके इनका क्लास ज्वाइन करके मतलब first... आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज के ओपन वेबिनार में स्वागत है। यह वीडियो मेनली उनके लिए है जो मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, इकोनॉमिक्स से या किसी भी फील्ड से बीएससी कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों को यही लगता है कि यदि हमसे जेई क्रैक नहीं हुआ तो अब हमारे पास कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम आईआईटी नहीं जा सकते। बहुत से ऐसे बच्चे हैं मीन जो डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको लगता है कि नहीं अब स्कोप नहीं है, केवल बीटेक में ही कैरियर है, बीटेक के अलावा हमारे पास कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है। तो बाबू ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप बीएससी करते हुए आईआईटी जैम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आईआईटी एनआईटी से एमएससी करते हुए आप अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स है जिन्होंने 2021 में आईआईटी जैम क्रैक किया था और आईआईटी एनआईटी से एमएससी करते हुए उन्होंने काफी अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट लिया है और उन्हीं का यह वेबिनार है और ये आपको गाइड करेंगे कि उन्होंने अपने इस जर्नी को कैसे अचीव किया। ये आपको अपने सक्सेस जर्नी के बारे में आपको बतलाएंगे। आप जो भी इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कैरियर से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, ये आपको गाइड करेंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है, प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, किस प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, यानी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो इसके पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं आपको, तो काफी लोगों को पता है फिर भी मेरा नाम शशि भूषण है और मैं आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स से एमएससी कंप्लीट किया, फिर मैं जेई के कोचिंग ज्वाइन किया, वहां पढ़ाया, फिर मेरा मन मींस मेरा मेन फोकस था जैम के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में ये था कि बच्चे आईआईटी मींस ग्रेजुएशन के बाद उनको लगता है ना प्लस टू के बाद हमारे पास कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है या हम एमएससी करके कुछ बेहतर नहीं कर सकते। तो मैंने भी एमएससी किया और हमें भी कैरियर के बारे में नहीं मालूम था, वहां जाने के बाद काफी कुछ पता चला और वो भी बहुत कम था। अब हमें मालूम हो रहा है कि इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जब हमारे स्टूडेंट्स अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट हुए तो हम आईआईटी को और बेहतर तरीके से जाने, जो एमएससी का कोर्स आईआईटी में चल रहा है उसके बारे में हम और बेहतर तरीके से जाने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू और वही उस कोर्स के बारे में आपको बतलाएंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हाँ, तो फिर इसके बाद मैंने फिर मैं दोबारा आईआईटी जैम क्रैक किया और आईआईटी बॉम्बे से मैंने एक साल ही एमएससी के कर पाया, वहां पढ़ाई कम कर पाया और बीच में मेरी जॉब लग गई रेलवे में। गेट स्कोर के बेस पर मैंने क्रिस में जो रेलवे का एक पार्ट है उसमें हमने डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पर ज्वाइन किया और ज्वाइन तो कर लिया और बट मैंने 3 मंथ के बाद उस जॉब से रिजाइन दे दिया क्योंकि मुझे पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने 24 आवर में कुछ अचीव किया है, कुछ मैंने पाया है। तो यही है मेरे बारे में और इसके बाद जो भी है संतोष सर आपको बतलाएंगे। थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने के लिए और मेरा नाम संतोष है, संतोष कुमार, और जैसे कि शशि सर ने बताया तो हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मतलब फर्स्ट टाइम हम 2010-11 में मिले थे और मतलब हमारे 11-12 साल की दोस्ती है।
दस में, अराउंड 2010 में मिले थे पटना में। हम सेम कोचिंग में 11th 12th की कोचिंग कर रहे थे पटना में, सेम कोचिंग में। और कोइंसिडेंस देखो आज 12 साल बाद भी साथ हैं। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैंने एक्चुअली 11th 12th मैंने पटना से किया, हम लोग साथ। और उसके बद फिर मैंने मतलब डीयू दिल्ली आ गया मैं, फिर डीयू से मैंने मैथ्स ऑनर्स किया। उसके बाद IIT दिल्ली ज्वाइन किया, IIT दिल्ली से मैथ्स में एमएससी किया। फिर हम लोग दोबारा IIT दिल्ली में मिले, तो IIT दिल्ली में हम लोग क्लासमेट थे, मैं और शशि सर जो है IIT दिल्ली में क्लासमेट थे। और 11th 12th पटना में सेम कोचिंग में थे, ठीक है। IIT JEE की तैयारी कर रहे थे पटना में। उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या, मैं IIT मतलब एक्चुअली मुझे बॉम्बे से पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब शुरू से भी। जब IIT दिल्ली में एडमिशन लिया उस दौरान मेरा मन था कि मैं काश बॉम्बे से पढ़ पाता, लेकिन उस समय इतना अच्छा रैंक नहीं था जहाँ में कि बॉम्बे मिले, दिल्ली मिला। वो भी अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं दिल्ली में भी ट्यूशन, मतलब मैं 2012 से ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मतलब दिल्ली 2012 में आया था तब से ही मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले पटना में पढ़ाता था मैं। मेरा टीचिंग जर्नी बहुत लंबी रही है, मतलब मैं 15 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ, तो देख लो मैं पिछले कितना एज हो गया मेरा, तो अराउंड मतलब क्या बोलूंगा 10 साल से पढ़ा रहा हूँ अराउंड, है ना, 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये रहा है मेरा जर्नी। और बाकी फिर हम लोग मतलब हम लोग साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई दिल्ली में, बहुत मतलब पहले बहुत स्ट्रांग नहीं था पर दिल्ली में काफी अच्छी हो गई। फिर उसके बाद फिर हमने, मैं कैरियर एंडेवर में जॉब करता था, एमएससी जब IIT दिल्ली से कर रहा था तब ये कैरियर एंडेवर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जिया सराय और GTB नगर 2 सेंटर है उसके, दोनों जगह मैं जॉब करता था वहाँ पे। और फिर हम, मैं वहाँ जॉब मतलब एमएससी के दौरान मेरा जॉब चल ही रहा था वहाँ पे। फिर शशि एमएससी के बाद शशि सर, मतलब हम लोगों ने सोचा कि बिहार के बच्चों के लिए कुछ जैम के लिए कुछ करते हैं, लाइक स्टार्ट कर सकते हैं क्या, तो शशि ने कहा ठीक है। उस समय IIT राव अकेडमी में थे, मैं बता दूं उनका 10 लाख का प्लेसमेंट उस समय भी था, 2018-19 की बात कर रहा हूँ मैं, तब ये 10 लाख के प्लेसमेंट पे ज्वाइन किए थे राव IIT अकेडमी में। मुंबई सेंटर पे ट्रेनिंग में थे कुछ दिन, फिर उनका पटना सेंटर भेजा गया, मतलब पहले ट्रेनिंग मुंबई में हुई फिर पटना में भेजा गया, पटना फिर ये गए। उसके बाद फिर पटना से इनको लगा कि हम जैम स्टार्ट करते, तो हम दोनों ठीक है जैम स्टार्ट किए। तो मैं उस समय IIT बॉम्बे में PhD के लिए मैं कई बार ट्राई कर चुका था, लेकिन मुझे हुआ नहीं एक बार भी, मैं वो है, लेकिन मुझे लगा कि बॉम्बे में आना ही है। तो मैं दिल्ली में थोड़ा कोचिंग के जाल में फंसता जा रहा, तो मुझे लग रहा था मैं कोचिंग टीचर बनकर जिंदगी निकल जाएगी मेरी, तो मुझे बाहर निकलना था। मैं मुंबई आ गया फाइनली, मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया स्टैटिस्टिक्स में, जहाँ मैं स्टैट्स देने के बाद फिर वहाँ से एमएससी स्टैट्स में किया, मेरा प्लेसमेंट हुआ था एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने भुवनेश्वर में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी वहाँ ज्वाइन किया था, एक साल अराउंड जॉब भी किया। फिर उसके बाद मैं PhD IIT खड़गपुर में ज्वाइन कर लिया, और अभी IIT खड़गपुर से PhD चल रही है, साथ में सुप्रीम में पढ़ाता हूँ, और भी एक दो जगह दिल्ली की अच्छी कोचिंग है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मैं नाम मैं अब ज़्यादा लूंगा नहीं क्योंकि इफेक्ट पड़ रहा है, तो बस मतलब मैं कई मतलब जहाँ स्टार्ट्स में कई कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, सुप्रीम में चले रहा है और भी कोचिंग में चल रहा है साथ, तो ऐसा है। बाकी यही सब है, तो मेरे जर्नी यही है, हम दोनों का अच्छा चल रहा है। लग रहा है कि एक कोट है कि लाइक दोस्ती अगर 7 साल ज़्यादा चलती है तो लाइफ टाइम चलेगी, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी दोस्ती लाइफ टाइम चलेगी। और इस दोस्ती का फायदा है कि हम लोग जैम में काफी बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, हमारा पर्पस हेल्प करना ही था। और हमारा फीस क्या है 10-15 हज़ार के अराउंड है। अब बाकी कोचिंग जहां मैं पढ़ाता हूं दूसरी कोचिंग वहां 45 हज़ार जैम की फीस है, 45,000 उसी को हम, मैं ही यहां पढ़ा रहा हूं, हम दोनों मिलकर 10-15 हज़ार में पढ़ा रहे हैं। तो ये डिफरेंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें, ऑनलाइन है तो गाँव के बच्चे भी पढ़ सके, तो ये हमारा पर्पस है एक्चुअली, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पढ़े ज़्यादा, क्योंकि है ना मैं बिहार में देखा मैंने, मैं जब 11th 12th पटना में कर रहा था ना, तो वहाँ लोग 10-10 साल से जनरल कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं। मैं जब आया तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है, और अगर 10 साल मैं तैयारी करता रहा तो मेरे घर वालों को क्या होगा, समझ रहे ना, वैसे कि मतलब बूढ़े हो जाएंगे हम, फिर घर वालों की उम्मीद का क्या होगा। लगा नहीं नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना, मैंने कभी SSC UPSC का कभी एग्जाम एग्जाम नहीं दिया आज तक, मुझे लगा जनरल कंप्यूटर में जाना ही नहीं है। ये नहीं कह रहा नहीं जाना चाहिए तुम्हें, मैं ये नहीं कहना चाहूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि नहीं नहीं मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे पटना में कि 10-10 साल से उसी लॉज में लोग लगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये जैम एक अच्छा रास्ता है। लाइक MSc करके ही मैं कैरियर एंडेवर में जॉब करता था, जब मुझे 50-60 हज़ार रुपये महीना मिलता था उस दौरान, जब जस्ट मैंने MSc खत्म की थी, MSc के साथ भी कर रहा था तभी मुझे अच्छा पैसा कमाता था मैं, तो मुझे लगा नहीं मुझे फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करना, इसलिए मैंने फिर कोचिंग फील्ड में ही आ गया, टीचिंग मेरा इंटरेस्ट है इसलिए फिर चलता जा रहा है, यही चल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक, यही है, ठीक है। और कुछ शशि सर? पहले तो मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ, सुधांशु, दक्ष, विशाखा एंड प्रेम, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके वो आप लोगों के बीच आए, आपको गाइड, हाँ, आपको गाइड करने के लिए उन्होंने अपना टाइम दिया आपको। तो हमारा मेन, जैसे कि संतोष सर ने बताया, हमारा मेन पर्पस था बच्चों को गाइड करना। हमें बहुत कम बच्चों को पता होता है कि IIT MSc या कहीं से भी MSc करने के बाद प्लेसमेंट होता है, इवन हमें तक भी पता नहीं था, वो IIT में जाने के बाद पता चला। जब हमारे स्टूडेंट्स गए तो हम और ज्यादा शॉक्ड हो गए, इतना हाई पैकेज के साथ प्लेसमेंट जाता है। हमें, हम IIT से MSc कर लिए फिर भी हमें इतना नहीं मालूम था। जब देखिए, हमें प्रैक्टिकली कब पता चलता है, जब कोई वहां बंदा खड़ा हो और उसके बारे में हमें सब कुछ बतला रहा हो,
हम बाहर से चीजों को एज्यूम करते हैं, जो कुछ कहता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो अच्छा होता है कि जो वहां पर कोई बंदा है और वो आपको बतला रहा है, यानी वो जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करेगा, जो भी आपको बतलाएगा, वो आपका बिल्कुल फैक्ट्स होता है और वो मानने वाली बातें होती है, आई मीन झूठ नहीं होता। तो हमें पता था कि प्लेसमेंट होता है, तो हम जैसे हम जब IIT में थे तो हमारे एक मींस मैक्सिमम पैकेज 9.6 था, 9.6 लगता है, तो हमें लगता था कि वही 6-10 के आसपास लोगों का प्लेसमेंट मिलता है, हमें इतना ही पता था। और हम उतना के लिए ही बच्चों को गाइड करने के लिए, क्योंकि सबका PhD करने का मन नहीं होता। जैसे हम भी IIT में PhD करने के लिए गए थे कि हम MSc करके PhD करेंगे, लेकिन हर कोई PhD नहीं करता। तो मैंने सोचा कि यार हमारे जैसे बच्चों का क्या होगा, जो IIT से, NIT से, DU से, BHU से जो MSc कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में इन्होंने इतना अपना टाइम स्पेंड किया, स्टैटिस्टिक्स में इतना टाइम स्पेंड किया, क्या इसके बाद वो वापस जनरल कॉम्पिटिशन में आएंगे? तो इतना हमारे मेहनत करने का फायदा किया हुआ, तब हम दूसरों से अलग कैसे हुए? तो ये हमारे मन में क्वेश्चन मार्क्स आया। तब मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को गाइड किया जाए, उनको बतलाया जाए कि प्लेसमेंट होता है, लेकिन इतना अच्छा प्लेसमेंट होता है। अब जाकर के मुझे पता चला कि इतना अच्छा प्लेसमेंट होता है। हमारे स्टूडेंट्स गए जैम क्रैक करके, वहां पर काफी अच्छा प्लेसमेंट लिया और वो आपको गाइड करेंगे। तो मैं पहले बारी बारी से सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम सुधांशु सौरभ है और इनका ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से कम्प्लीट हुआ। फिर उन्होंने यूनियन में ये भी शायद जनरल कंपटीशन के लिए जा रहे थे, फिर सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने कोविड पीरियड में मींस इन्होंने जॉइन करने का शायद डिसीजन लिया, ये खुद बतलाएंगे आपको थोड़ा बहुत। तो फिर इन्होंने जॉइन क्रैक किया और NIT तिरछी से इन्होंने मींस अभी वो रिसेंटली करेंटली अभी वो NIT तिरछी से MSc कर रहे हैं और इनका 53 लाख पर NM का प्लेसमेंट हुआ है। तो वो कहाँ प्लेसमेंट हुआ, कैसे हुआ, ये आपको अच्छे से बतलाएंगे। तो इनका तो मैं पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय दिया आपके लिए। और अरे सर ठीक है सर, अभी है बच्चों के लिए आप लोग इतना कर रहे तो है, बनता है। इनका नाम दक्ष है और इन्होंने भी पटना साइंस कॉलेज से BSc कंप्लीट किया है, फिर इन्होंने IIT जॉइन कराई किया, अभी वो IIT बॉम्बे से स्टैटिस्टिक्स में MSc कर रहे हैं। हाँ सुधांशु का मैं बता दूं, सुधांशु वहां पर जब आप जॉइन क्रैक करके जाइएगा ना, तो वहाँ एक कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, तो आपका MSc कंप्यूटर साइंस में होता है, लेकिन वो बेसिकली डेटा साइंस का कोर्स है। तो वो सुधांशु आपको अच्छे से बतलाएंगे। तो ये दक्ष अभी IIT बॉम्बे में MSc कंप्लीट कर रहे हैं और इनका ये लास्ट सेमेस्टर है। जो भी है यहाँ पर सबका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, बाहर से किसी ने ट्राई नहीं किया। तो इनका 16 लाख पर NM का प्लेसमेंट हुआ है। ये प्रेम है, ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है। और इनको तो मैं AN कॉलेज में जो है ना, जो बिहार के बंदे होंगे, जो बिहार से ज्वाइन किए होंगे, AN कॉलेज है, मैं कैंपस में बैठ करके तिरपाल जो होता है ना, वहां से इस लड़के को मैंने NCERT से पढ़ाना स्टार्ट किया था और जैन की तरफ मूव कराया था, जबरदस्ती लाया था कि तुम जैन करो, सब तो जनरल कर ही रहा है, प्लेसमेंट होगा, तुम्हें जॉब ही चाहिए ना, प्लेसमेंट होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो फिर ये लड़का मेहनत किया और फाइनली NIT तिरछी से, ये भी सुधांशु का बैचमेट ही है और MSc कर रहे हैं और ये भी लास्ट सेमेस्टर में, इनका भी 16 लाख पर NM का प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, ये है विशाखा वर्मा और ये भी पटना यूनिवर्सिटी से BSc कंप्लीट की है, मगध महिला कॉलेज से। यदि कोई मगध महिला कॉलेज से ज्वाइन किया होगा तो ये आपकी सीनियर रही है, तो आपको बारे में पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट लड़की है जो स्टैट से IIT बॉम्बे पहुंची है, बिहार से। बिहार से काफी कम लड़के IIT ज्वाइन की प्रिपरेशन करते हैं, उनमें ये हमारे फर्स्ट लड़की रही है जो बिहार से, प्रॉपर बिहार से पढ़ करके, बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर बिहार से पढ़ करके IIT बॉम्बे में एडमिशन ली है और इनका 16 लाख पर NM का इनका भी प्लेसमेंट हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हैं और ये आपको बतलाएंगे कि इनकी इन्होंने अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट किया। मैं कुछ ऐड करता हूँ
एक्चुअली 2019 में जब हम लोग पटना में, जब हर पटना के जितने कॉलेज, हर कॉलेज में मैं और शशि मिलके हम लोग कॉलेज में जाके बताते थे, पहले टीचर से मिलते थे कि सर हम लोग जैम के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं, फिर हम क्लास में, जो टीचर कुछ कॉलेज अलाउ नहीं करता था कुछ करता था, तो मैं भी सका कॉलेज में भी गया था और हमें याद है हम बता रहे थे, ये किसने एक क्वेश्चन बोला था हमें कि सर इतना अच्छा प्लेसमेंट जब होता है एमएससी में तो आप लोग प्लेसमेंट क्यों नहीं ले लेते, या आप लोगों ने क्यों नहीं ले लिया, मुझे अब याद आ रहा है, इसको पता याद हो ना हो, उस दौरान पूछा था उसने जब हम बता रहे थे, बाद में ये आई ना, ऐसे बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि जब इतना प्लेसमेंट आपने क्यों नहीं कर लिया, तो मेरे इंटरेस्ट की भी तो बात है ना, तुम्हें इंटरेस्ट है एमएससी में काम करने का, जैसे तुम्हें अगर काम करने का मन है, तुम्हें पैसे बहुत कमाने हैं, तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें, तो कर सकते हो, हमारा इंटरेस्ट टीचिंग में है तो हमने टीचिंग चूज किया है ना, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते थे, पहले बताया शशि सर पहले अच्छा जॉब कर रहे थे, तब हम लोग जस्ट एमएससी करके हम लोग उस अराउंड से 80-90 हज़ार कमा रहे थे कहीं ना कहीं, हम दोनों जस्ट एमएससी के बाद महीने के, है ना, तो वैसा था, लेकिन हमारा था कि टीचिंग में थोड़ा सा अपना भी इंटरेस्ट है और किसी का अगर भला कर सके बिहार में, स्पेशली हम चाहते बच्चे हायर एजुकेशन में आए, तो ये पर्पज एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि ये बस इसने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो देखो बाद में आज क्या वक्त है कि 3 साल बाद हम बता रहे हैं कि ये बच्ची खुद प्लेसमेंट लेके है ना, मतलब अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा लगता है, इसका एक्सटेंचर में इंटर्नशिप था, एक्सटेंचर में बहुत कम बच्चों का बॉम्बे में, लाइक क्या है मैं बॉम्बे से ही पढ़ाऊँ, शशि सर भी है, विशाखा भी है, दक्ष भी है, तो एक्सटेंचर में क्या होता है बहुत सारे, लाइक क्लास में अगर स्ट्रेंथ 50 का है मान लो अराउंड, तो उसमें 7-8 बच्चों का बस लगता है, उनमें से एक ये भी थी, बड़ी अच्छी बात हमारे लिए था कि चलो हमारे यहाँ से बच्चा बिहार के बच्चा जाके, ये इनके क्लासमेट ही लड़की थी, कुछ नाम नहीं लूंगा मैं, वो लोग कहते थे कि सर जितने साल में से करें उतने साल हम बैंकिंग का जॉब कर लेंगे, हम यूपीएससी निकाल लेंगे, लेकिन अभी वही लड़कियां अभी तक तैयारी ही कर रही है, इसी के बैचमेंट की बात बता रहा हूँ, जो सीधा ओपनली मुझे कहते थे कि आप जो कह रहे हैं 2 साल एमएससी करो, हम तो 2 साल में बैंकिंग मतलब तो बैंक क्यों बन जाएंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, बीपीएससी निकाल लेंगे, मैंने कहा वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो हम तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में, है ना, और हमने काफ़ी स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी आप थोड़े ठीक लेवल पे हैं, लेकिन अब अच्छा कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा है, सो थैंक यू। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे संतोष सर ने बतलाया कि प्लेसमेंट के लिए, तो हमने प्लेसमेंट, हमने जॉब लेके भी प्रूव किया, ठीक है, उन्हीं लोगों का क्वायरी मैं पटना साइंस कॉलेज में मिली, तो उन्होंने बोला कि सर आप क्या कर रहे, तो वो लोग शायद पढ़ाने को जॉब नहीं मानते, लेकिन ये मेरा शौक है, ये मुझे पढ़ा कर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, मैं काफी अपने आप को एनर्जेटिक फील करता हूँ कि मैं पढ़ाया हूँ, तो फिर भी मैंने जॉब किया उन लोगों के लिए प्रूव करने के लिए, केवल मैंने जॉब ज्वाइन किया कि मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं जॉब ले सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने जॉब लिया और रिजाइन मार दिया। तो हाँ आप प्लीज वन बाय वन कंटिन्यू कीजिए सुधांशु। ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल, मेरा नाम सुधांशु सौरभ है और मैंने अपना 12th ऐसे बेसिकली पटना से ही किया है और उसके बाद साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन के लिए स्टैटिस्टिक्स से, वहीं से मेरा ऑनर्स हुआ है और लाइक कोविड के टाइम पे ही मतलब ऐसा था कि मैं मोस्टली सोच रहा था बैंकिंग करने के लिए ही, लेकिन बैंकिंग के दौरान जब मैं करने के लिए जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार रिपीटेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब करने को मिल रही है, जो मेरा करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं हुआ। तो मेरे ही साइंस कॉलेज के 2 बैचमेट थे जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, एक मयंक है और एक अभिनव है, तो उन दोनों ने मेरा बहुत हेल्प किया, मैंने उनसे बात की कि हाँ क्या स्कोप है स्टैटिस्टिक का, क्या कर सकते हैं आगे, तो उन्होंने मुझे बताया जैम करके IIT वगैरह जा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि 12th में अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो एक ना एक बार तो आप IIT जैम मतलब IIT JEE का एग्जाम देते ही हो, तो वहाँ से एक सपना बन जाता थोड़ा सा कि IIT चले जाते तो अच्छा होता, या जो भी, या NITs भी मिल जाता, कोई भी एक टेक्निकल कॉलेज अगर मिल जाए तो ठीक रहता। तो जब उन्होंने दोबारा बताया कि जैम वगैरह दे सकते हैं और वहाँ से जा सकते हैं IITs, तो मुझे लगा कि चलो ये करना ठीक रहेगा, ये करके देखते हैं। तो 1.5 महीना पढ़ा खुद से, लेकिन जब बात नहीं बन पा रही थी तो फिर इवेंचुअली शशि सर से कॉन्टैक्ट हुआ अभिनव के थ्रू, फिर शशि सर से बात हुई और ऑनलाइन मोड में था कोविड के टाइम पे, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल दिखा मुझे, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया ऑब्वियसली, फिर प्रिपरेशन चली, ऑब्वियसली जैम क्रैक हुआ, NIT त्रिची ही पहुँच पाया, लेकिन जो भी था अच्छा रहा वहाँ पे, और फिर NIT त्रिची में जा करके कंप्यूटर साइंस एज अ कोर्स मिला जो कि स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा अलग है, लेकिन समहाउ मतलब उसी का एप्लीकेशन यूज़ होता है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का, तो ये एक बेनिफिट रहा स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जुड़े रहने का, कंप्यूटर सीखने में ज़्यादा आसानी वहाँ पे हुई। और मेरा ऐसा था कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गीक टाइप का आदमी, बहुत ऐसा कंप्यूटर पे काम वगैरह करते रहता हूँ, तो इस चीज़ का बेनिफिट वहाँ भी मिला, और बाय गॉड ग्रेस कह लो या लक से कह लो जैसे भी कह लो, थोड़ा सा ठीक ठाक प्लेसमेंट हो गया है बस, और कहीं हेलो या वेलकम। तो मैंने भी 10th और 12th पटना ही से किया है और साइंस कॉलेज से BSc स्टैटिस्टिक में BSc किया है, और उसके बाद मैं सेकेंड सेम में सेकेंड ईयर में जैम का जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था,
सो पहले तो मैं सोचा था कि खुद से करूंगा, फिर एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि सर को मतलब क्लास ज्वाइन करने, तो गया था थोड़े दिन, तो मुझे अच्छा लगा, तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया, फिर तो निकल गया था। और उसके बाद यहाँ पे मुझे मिला अप्लाइड स्टैटिस्टिक, और यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे कोर्स है, मतलब मशीन लर्निंग की भी काफ़ी कोर्सेज है जो कि तुम्हारे मतलब इसके लिए हेल्प करती है प्लेसमेंट्स में। तो हाँ बस यही सब था। और मतलब थोड़ा जैसे अभी टाइम अगर मिलता है तो वो सब तुम क्या बोलते हैं कोडिंग ये सब की अगर तुम्हें करना है तो जैम के बाद तुम लोग थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, मतलब प्रिपरेशन जो भी अपना प्लेसमेंट के लिए करना है। तो कोडिंग्स बेसिक रहती है, मतलब तुम लोग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि एकदम डीप में हम लोग कोड करें, लेकिन मतलब पांडास और नंपाई शायद ये सब थोड़े बहुत। और मतलब यहाँ का प्लेसमेंट सिनारियो ठीक है, मतलब ज़्यादा तो इस बार नहीं गया, लेकिन ये है कि जो जो आए अधिकतर लोगों का प्लेसमेंट्स हो गया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर। और एक फैक्ट ये भी है कि मैं और दक्ष बीएससी के टाइम पे भी हम दोनों बैचमेट ही थे। हाँ। तो उस वक्त जब दक्ष शायद प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त मुझे नहीं पता था जैम के बारे में, बट इवेंचुअली जब बाद में पता चला तो मैंने और दक्ष ने मतलब साथ में ही प्रिपरेशन किया था जैम के टाइम पे, और हम दोनों ने सेम ही ईयर पेपर भी दिया था। तो ये हमारे लिए वहां पे मेन होता है कि बिहार में मतलब उतना भी क्रेज नहीं था उस समय जैम और ये सब का हायर स्टडीज के लिए, तो बहुत लोग वहाँ पे मतलब जनरली कंपटीशन के लिए जाते हैं। तो हम लोग मैंने सोचा था कि मतलब उसमें तो नहीं जाना, मुझे इसमें जाना था कॉर्पोरेट में, तो ये मैं सोचा कि ये सबसे अच्छा रास्ता इधर से, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था। हाँ प्रेम, तो बेसिकली मैं जेपी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैंने मतलब बीएससी मैथमेटिक्स किया था यहाँ से, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है शायद वीडियो में। हेलो, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं। आवाज अच्छी आ रही है? हां वीडियो बंद कर, आवाज अच्छी आ रही है हमारी। ठीक ओके ओके। तो मैंने वहां से किया था अपना ग्रेजुएशन, और उसका तो मैं मेरे लिए एक किस्मत रहा है कि सतीश सर से मिलना पटना में आके, वो एक तरह से क्या ही बताऊं, मतलब पूरा मतलब चेंज ही है, सब लाइफ चेंजिंग मोमेंट है वो मेरे लिए। अब सब कुछ सर के मार्गदर्शन में ही मेरा करियर जो करियर का ग्रोथ है अभी जो अभी चल रहा है, सब कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है। तो मतलब सर ने जो भी चीजें बताई है मैंने लगभग फॉलो करने की कोशिश की है, और उसका नतीजा है कि शायद मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। उम्मीद है शायद इससे भी कुछ बेहतर चीजें कर पाऊँ यहाँ से। थैंक्स फॉर एवरीवन, एंड अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे जब कुछ एनआईटी त्रिची के बारे में या फिर मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में, जैसे कि मेरा जॉब प्रोफाइल। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, पर तुम्हारा साथ मैथ्स बैकग्राउंड है ना, थोड़ा भी बताओ, मैथ्स बैकग्राउंड है शायद ना? यस यस सर, बीएससी मैथ्स। यस सर, मैथ्स बैकग्राउंड। सो मैथ बैकग्राउंड से भी लोग कर सकता है ऐसे, मैं बताना चाहता हूँ। प्रेम बहुत मेहनत किया है ना, ये शुरू से ही था हमारे पास, और सबसे सारा गाइडेंस ऐसे काफी रहता है बच्चों पे, तो है ना, जो लोग कॉन्टेक्ट में हो कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ फिर बताओ आगे। मैं बताना चाहता हूँ कि बीएससी मैथ करके भी लोग एनआईटी त्रिची में जाते हैं और जा सकते हो, आप लोग जो मैथ्स वाले लोग ज्वाइन किए उनके लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है प्रेम, कंटिन्यू करो आप। उनको आईआईटी जाएंगे काम करना होता है लगा यहाँ पे आके, मतलब पूरा तो ये कंप्यूटर साइंस का प्रोफाइल है, एक तरह से डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल है, तो मैथमेटिक्स या फिर एस्थेटिक्स वाले दोनों के लिए फायदे ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे मैथ हो चाहे स्टेट्स हो, कोई दिक्कत नहीं होगी एनआईटी त्रिची में। शायद मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत दिक्कत होगी, मैं बहुत डरा हुआ भी था, तो सर से बात किया, फिर दोस्तों से बात किया, तो इन लोगों ने जैसे, अब ये भी है कि दोस्त के साथ में रह के भी मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी यहाँ पे आके एनआईटी त्रिची में, तो ये भी चीजें एक तरह से मैटर कर जाती है जब आप कॉलेज में जाते हो। तो ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड चीजें तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं शायद जवाब दे रहा हूँ। हेलो हाय एवरीवन, तो सर ने तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि मैं मगध महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन करी हूँ,
और फिर MSc IIT बॉम्बे SI से, और फिर अभी ICICI बैंक ICICI सिक्योरिटीज में जॉब है डेटा साइंस प्रोफाइल में। इससे पहले मैंने इंटर्नशिप करा था एक्सेंचर में। तो और क्या इंट्रोडक्शन दूँ फिर? हाँ, उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहते शशि सर, संतोष सर को, कि वो उन लोगों ने बहुत हेल्प करी मेरे जैम के टाइम पे। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी जैम में, देना हाँ भी नहीं चाहती टैलेंटेड थी। थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे। हाँ टैलेंटेड बिहार के हर बच्चे होते हैं जैसा मैं मानता हूँ, बस कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंट मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं देना नहीं चाहती थी। मुझे लगा था मुझसे नहीं होगा, पर शशि सर और संतोष सर से मिल करके, इनका क्लास ज्वाइन करके, मतलब फर्स्ट डे उन्होंने बोला था कि डेमो क्लास कर लो दो तीन, बस डे वन मैंने किया था, तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा। अच्छा मैं उसके पूछना चाहता बाद हूँ तुम्हें, याद है, एक मिनट हाँ मैं पूछना चाहता हूँ तुमको, याद है हम तुम्हारे कॉलेज में आए थे तो हम दोनों आए थे कॉलेज में, याद है? मैं एब्सेंट थी उस दिन, मेरे को क्या मेरे बात कर रहे दोस्तों हो? ने बताया था। हाँ मैं एब्सेंट थी, और तो मेरे को तुम्हारे मेरे क्लास की कोई दोस्तों रहा ने होगा, पता नहीं मुझे, फिर मिस किसी ने मुझे बताया कि विशाखा ही थी। अच्छा फिर गलत इन्फॉर्मेशन मिला मुझे हाँ, तो, नहीं नहीं मतलब मैं नहीं हाँ थी, मेरे फ्रेंड्स थे, और उन्होंने मुझे बताया कि अरे यार कुछ दो लोग आए थे कल और ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने बोला कि अच्छा मुझे मिलना था, मैं मिस कर रही। फिर मैं बहुत टाइम के बाद ऑनलाइन, उस समय तो फिर लॉकडाउन हो गया, फिर ऑनलाइन मिले, फिर क्लास ज्वाइन किया, तो मुझे तो अच्छा लगा, मैंने बिलीव किया, मैंने पेमेंट करी, फिर मैंने कंटिन्यू किया क्लास। और फिर लकली लकली नहीं, बहुत हार्ड वर्क, सर का बहुत साथ, उसके उसके बाद फिर जैम हुआ, फिर उसके बाद एक्सेंचर भी हो गया, तो और ज्यादा खुशी मिली। फिर अभी तो प्लेसमेंट भी हो गया, तो अभी तो सेट है, सब अच्छा हुआ। जो NIT के स्पेसिफिक एग्जाम लगता है या फिर जैम के थ्रू ही NIT भी मिलता है? नहीं, NIT में जो एडमिशन्स होते हैं MSc कंप्यूटर साइंस के लिए, वो जैम के थ्रू ही होते हैं। इनिशियली ऐसा नहीं होता था, पहले NIT अपना अलग एग्जाम लेता था, लेकिन 2017 के बाद से ये कंटिन्यूअसली जो भी हर साल के इंक्रीज होती है वो IIT जैम के स्कोर पे ही होती है। इसका काउंसलिंग जो है वो IIT जैम मतलब नहीं करवाता, जो भी कंडक्ट कराता है IITs वो नहीं कराता, बल्कि CCMN करके एक पोर्टल होता है सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज के लिए, वो इसकी काउंसलिंग कराते हैं। तो जैम के स्कोर के ही बेसिस पे NITs मिलते हैं। आपके मार्क्स कितने थे जैम एमएस में? मेरे तो 27 नंबर आए थे भाई, ठीक है बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन बस इतना था कि उस साल रैंक ठीक ठाक आ गया था और मिल गया NIT की, तो बस बहुत था। तो मिनिमम हेलो सर, कितने मार्क्स मेरा चाहिए सवाल IIT में सीट के लिए आपके हिसाब से? एक एक करके बोलो भाई, एक 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 एक, एक करके बोलो कोई। IIT में सीट के लिए मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए आपके हिसाब से? अब ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है भाई, ये तो सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि हर साल वो कनेक्टेड है इस कॉम्पिटिटिव माहौल से। मतलब हमारे टाइम पे क्या था कि बहुत लोगों को जैम के बारे में पता नहीं था, अब धीरे धीरे लोग जान रहे इसके बारे में, तो हो सकता है, और फिर पेपर कैसा डिफिकल्ट आएगा या ईजी आएगा इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हाँ इतना अगर मार्क्स ले आओगे तो तुम पहुंचे जाओगे, बट एक सेफ जोन होता है जो शशि सर शायद बताते होंगे हमेशा कि पहले सीट सिक्योर करना ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग के टाइम पे शशि सर हमेशा पुश करते थे कि कम से कम 40 नंबर तो आना ही चाहिए, अगर 40 नंबर आ गया तो हो जाएगा तुम्हारा, बट इवेंचुअली अगर उतना भी नहीं पहुंच पाओगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी कॉलेजेस बहुत इधर उधर करके मिल जाते हैं, तो देख लो जैसा ठीक लगेगा उसके हिसाब से। तो सर थैंक यू बताएंगे थैंक बेहतर इस मामले में। गुड इवनिंग सर। अरे ठीक है कोई बात नहीं भाई, कितना क्या, गुड इवनिंग, ठीक है बोलो। सर मैं NIT JSA मैथमेटिक्स MSc कर रहा हूँ करंटली, अभी मेरा पिछले साल ही क्रैक हुआ था IIT जैम, हाँ और मुझे NIT जालंधर मिली थी। हाँ तो सर अभी ना मेरा जैसे ज्यादा इंटरेस्ट टीचिंग में है, बट हमारी NIT में अभी करंटली काफी कंपनीज वगैरह से एब्सेंस वगैरह आती रहती हैं अभी इंटर्नशिप के लिए। सर वो इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए हमें नहीं करनी चाहिए? अब ये चीज मैं कैसे बताऊं, अगर इंटर्नशिप आ रही है तुम्हें लग रहा है कि नहीं करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इसमें इतना क्या सोचना है। मतलब सर वो कुछ हाँ बहुत ज्यादा हमें इनकम नहीं दे रहे, मतलब 40,000 वो साल का दे रहे हैं। इंटर्न्स में मोस्टली इतना ही मिलता है, ठीक है। इंटर्न्स में क्या होता है कि अगर तुम टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए नहीं हो, जैसे अगर तुम्हारा MSc मैथ तुमने बताया, तो MSc यस मैथ्स में सर अगर तुम्हारा कंप्यूटर पे अगर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है या कोई कोडिंग पार्ट्स रिलेटेड नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर तुम पढ़ रहे हो, तो वो यस टेक्निकल सर चीजें नहीं होती है ना, तो टेक्निकलिटीज जब तक नहीं इंक्लूड होगा तो पैकेज बहुत ज्यादा ऐसे बंप नहीं करेगा। जैसे NIT त्रिची में भी जहाँ मैं हूँ अभी, वहाँ पे भी MSc मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, MSc फिजिक्स है। चाहिए। और यस सर स्टैटिस्टिशियंस को कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ता? बेसिकली पाइथन जरूरी होता है जॉब के लिए,
हम एकेडमिक में आर यूज करते हैं, तो हमें आर और पाइथन दोनों ही जरूरत पड़ता है। और किसी किसी कंपनी में सैस भी यूज करते हैं, कई कभी कभी एसपीएसएस का भी यूज करते हैं। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी में मैंने एसपीएसएस पे काम किया था, फिर यहाँ एमएससी में आर पे काम किया, पाइथन पे कंपनीज में काम करवाते, तो यहाँ कॉलेज में भी कुछ कुछ कोर्सेज में पाइथन यूज करते हैं। तो बेसिकली सारे ही चीज़ें यूज आती है, तो हमें ऐसा कुछ रेस्ट नहीं करना है कि हमें ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो कोई भी लैंग्वेज पिक करके काम कर सकते हैं। और टाइम जैसा जैसा काम वर्कलोड आएगा वैसे वैसे काम हम सीखते जाते हैं। एक बार ना विशाखा आपने ना बीएससी सब्जेक्ट के बारे में बतला दो ना, बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका ऑनर्स क्या था बीएससी में। बीएससी मेरा स्टैट्स था, स्टैट्स में इन्फ्रेंस था, प्रोबेबिलिटी था, टाइम सीरीज था थोड़ा बहुत, फिर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स थे, और मैथ्स था, बेसिक मैथ, ग्रेजुएशन के मैथ्स लीनियर अलजेब्रा। यानी आपने बीएससी बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में किया? स्टैट्स ऑनर्स था, ऑनर्स मेरा स्टैट्स था, स्टैटिस्टिक्स। हां तो मैं आपको बतला दूं, और तभी मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था एसपीएसएस पे, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे, तो बस इतना ही किया था। हाँ तो विशाखा भी स्टैट्स से ग्रेजुएशन है, सुधांशु भी स्टैट्स से बीएससी कंप्लीट किया है, एंड दक्ष ने भी स्टैट्स से बीएससी कंप्लीट किया है। एक प्रेम है जिन्होंने मैथमेटिक्स से बीएससी कंप्लीट किया है, और उन्होंने आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देकर के अच्छा प्लेसमेंट लिया। मैं ये नहीं कहता कि मैथमेटिक्स से अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन स्टैट्स से एवरेज मेहनत में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ये मैं कहूंगा। और आप बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में गुजर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से गुजर रहे हैं। अभी समय मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का है, जो आने वाला समय है ना वो प्योर स्टैटिस्टिक्स का समय है। मैथ्स में भी काफी प्लेसमेंट हुआ इस बार, तो मैथ्स में भी प्लेसमेंट काफी हुए, आईयूआर से भी काफी प्लेसमेंट हुआ है, तो अभी तो सारे डिपार्टमेंट से अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। स्टैट्स से तो होते ही है। जो भी आपका जॉब प्रोफाइल होगा ना वो स्टैट्स से कनेक्टेड ही होगा। हाँ हाँ, जॉब में तो स्टैट्स ही यूज आएगा, मतलब भले आपका प्लेसमेंट कहीं से भी हो, चाहे आईयूआर आईयूआर से हो या मैथमेटिक्स से हो या कहीं से भी हो, आप इस फील्ड में आ रहे हैं ना, जो डेटा है, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट के फील्ड में, तो आपको फाइनली स्टैट्स पर ही काम करना है, रिग्रेशन पर, इन्फ्रेंस पर, या जो भी है। IEOR, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, उसमें ना एडमिशन दोनों सब्जेक्ट से मिलता है, मैथमेटिक्स से, जैम एमएस से भी मिलता है, और जैम एमएस से भी उसमें एडमिशन मिलता है, और इस बार शायद उसका काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है ना। उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि एमएससी का तीन कोर्स है बॉम्बे में, एमएससी मैथ्स, एमएससी स्टैट्स और एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है ना। सो तीनों में एमएससी स्टैट्स में एमएस के थ्रू एडमिशन होगा, एमएससी मैथ्स में एमए के थ्रू, और ओआर में दोनों के थ्रू एडमिशन होगा। नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों को पता होगा। ओके, और ये ना आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यदि आप इस चीज को मिस करोगे ना, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करने वाले बंदे, आप अपने से कहावत नहीं है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो बाबू यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे ना, तो बाद में तो हाँ, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, और जिसको भी जो पूछना है हमारे पास अभी सभी है। और प्लेसमेंट ही बस ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एमएससी करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं, फिर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाता है आगे का, तो मतलब लाइफ तो सेट है। हाँ, ऐसा है, कुछ हो ना हो तुम्हारी सोच बड़ी हो जाएगी, तुम लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछ करने का, रिस्क लेना सीख जाओगे लाइफ में। हाँ, ये सब है, हमने वही तो किया, हम लोगों ने क्या किया है। हाँ, हमने तो बहुत ज्यादा रिस्क लिया, एमएससी का आईटी बॉम्बे से एमएससी छोड़ा, फिर जॉब ज्वाइन किया उसको भी छोड़ दिया, अभी करंट टाइम में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत ज्यादा रिस्क लिया। तो वो एक रिस्क लेना कि आपके अंदर काबिलियत आ जाती है, आईआईटी एनआईटी या अच्छे जगह से आप मास्टर्स की डिग्री मीन्स आप लेते हो, तो मैं यही कहूंगा कि आप काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी में है, आप इस समय का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और बेहतर कीजिए, और जो भी आपसे प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है आप प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि आप बाद में पछताइएगा, क्योंकि ये आपको बतलाने के लिए कोई मिलेगा नहीं जो बंदा आईआईटी से हो है और ऐसा आपको प्रॉपर टाइम दे, तो जब आपको टाइम मिला है तो आप इनके टाइम का यूटिलाइज कीजिए।
हेलो सर, गुड इवनिंग सर. आई एम परस्यूइंग माय बीए सेट फ्रॉम बीएचयू. सर इफ मैं ऑनर्स नहीं कैरी करता सेट को, तो स्टिल मैं बीए के थ्रू हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा एवरी फील्ड ऑफ जैम के लिए या फिर आईआईटी एवरी कॉलेजेस के लिए लाइक बॉम्बे या दिल्ली ऐसा कुछ? ओके ध्रुव, बॉम्बे का तो मुझे नहीं पता, बट तुम एनआईटी त्रिची के लिए एलिजिबल हो. लाइक वहाँ पे तुम अगर एनआईटी त्रिची के वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे तुम पर्टिकुलरली एमएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो वहाँ पे बीए स्टैटिस्टिक्स भी एलिजिबल होता है. वहाँ पे एक्चुअली टोटल 17-18 कोर्सेज है अलग अलग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, बीए स्टैटिस्टिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस और ये सब भी देखते हैं. तो टोटल जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे लिस्ट डाउन होते हैं. ओके सर, इवन इफ बीए सेट इज नॉट इन योर ऑनर, इफ इज जस्ट आपने फोर्थ सेमेस्टर परस्यू किया उसके बाद वो डिपेंड करता है. शायद वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आपका स्टैटिस्टिक्स जो है ना शायद 2 साल का कोर्स होना चाहिए या 1 साल के लिए आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ होता है. वो आप वेबसाइट पे जाकर के एक बार विजिट कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है. सर व्हाइल प्रिपरेशन जर्नी आपने सर मॉक और प्रीवियस ईयर पे फोकस किया था क्या ज्यादा? मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पे किया था क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो शशि भी हम लोग को बस यही बताते थे कि प्रीवियस ईयर पैटर्न्स पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, सो यू शुड फोकस ऑन दैट. और मॉक तो ऐसा है कि शशि भैया हर संडे कोई ना कोई एक मतलब टेस्ट लेते ही हैं. तो हम लोग का ऐसा होता था कि हम लोग ऐसा लगता था कि दिसंबर क्या नवंबर एंड से ही कह लो कि कंटिन्यूसली हर संडे लगता था जैम का पेपर ही दे रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी उसी लेवल के होते थे और बाकी प्रीवियस ईयर बना ही रहे हम लोग और मॉक हम लोग का चलते रहता था कंटिन्यूसली. तो कह लो कि 2 महीने हम लोगों ने हर संडे को जैम का एग्जाम दिया, ऐसा था हमारा. और नोट्स के लिए आप लोग मतलब कुछ सजेस्ट करेंगे क्या, जैसे अगर नोट्स बनाना हो तो कोई नोट्स ऐसे भी पढ़ाते हैं क्लास में यार, वही उसी का नोट्स बनाओ. वो बहुत नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर का ही नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने तो सर का नोट्स बहुत बार रिवाइज किया था और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं. थैंक यू सर. अगर हमारा बीएससी के बाद अगर 2-3 साल का गैप पड़ता है और फिर अगर हम फिर एडमिशन लेते हैं एमएससी के लिए तो उसका कुछ प्लेसमेंट पे इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ, क्वेश्चन तो पूछेंगे कि वो टाइम पे क्या किए, गैप क्यों आया, पर आंसर होना चाहिए फिर हो जाता है. ऐसा नहीं कि वो सेलेक्ट नहीं करेंगे पर एक क्वेश्चन तो पूछेंगे. डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी अलग अलग. जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास लेजिटिमेट आंसर है बट फिर भी अगर कंपनी को ऐसा चाहिए कि नहीं नहीं कम उम्र का ही बंदा हायर करना है तो वो शायद कंसीडर नहीं भी करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा गैप है तो प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, हो भी सकता है और हो सकता है मे बी जिस कंपनी में तुम टारगेट करो उस कंपनी में ना हो किसी और में हो जाए, बट हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है. अभी हमारे तो होता है क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे लोग ऐसे 28 एज के थे जो उन्होंने गैप रखा था और उनका भी हो गया प्लेसमेंट. प्लेसमेंट तो हो जाता है पर हाँ क्वेश्चन तो पूछते हैं कि वो कहाँ, वो गैप किस लिए था, ऐसा वैसा कुछ बनाना पड़ता है उस टाइम मतलब उसके लिए. ये इतना इशू नहीं आएगा आगे के लिए. हम कोई भी शाखा प्रोजेक्ट के बारे में आपसे आप लोगों से पूछ रहा है अभी, शाखा सुधांशु जो भी है तो आप लोग थोड़ा बतला दीजिए प्रोजेक्ट का क्या आप लोग का सीन रहा है, आप लोगों ने कैसे क्या किया है. ऊपर चला गया है चैट से. अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि जैम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करते हैं. मैंने तो बीएससी करने के बाद स्टार्ट किया था, शायद मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में ज्वाइन किया था मैंने, जून जुलाई अगस्त में स्टार्ट किया था. तुम तो जुलाई में आ गए थे ना? हाँ हाँ, तो तब मैंने बिल्कुल भी मैंने टॉपिक मैंने पढ़ा भी नहीं था, ऐसा मेरा हाल था तब स्टार्ट किया था. फिर अगर आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ रखा पहले तब तो और जल्दी हो जाएगा प्रिपरेशन. मैंने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 1 सितंबर से, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है. और उस दिन से मेरा मतलब उस दिन मुझे सिलेबस भी ढंग से उसी दिन पता चला था. फर्स्ट डे क्लास 1 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में हमारा एग्जाम था. तो बस यही 5-6 महीने हमने प्रिपेयर किया, मतलब मैंने प्रिपेयर किया था. थोड़ा बहुत आप लोग इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी बतला दो कि क्या उसका ना प्लेसमेंट में कितना हेल्प रहा आप लोगों का, जो भी आप लोगों ने इंटर्नशिप किया जो भी प्रोजेक्ट किया तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा? बेसिकली इंटरव्यू जो जाता है वो प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पे ही जाता है. अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो पूरा इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स पे ही चला जाएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर हमने कर लिया तो. मेरा इंटर्नशिप भी बस पूरा इंटर्नशिप
एक प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होता रहा और फिर हो गया. और जब हम प्रोजेक्ट खुद से करते हैं तो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, और इंटरव्यूअर बेसिकली देखते हैं हमारा कॉन्फिडेंस. तो अगर हमने अच्छे से कर रखा है प्रोजेक्ट तो बहुत हेल्प होता है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छा होता है इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट. और अगर खुद से किया है तो और बढ़िया, मतलब बिना किसी के हेल्प लिए खुद से सारा कर रहे. तो सुधांशु आपने भी तो कुछ किया था ना? यस सर, मैंने एक इंटर्नशिप करा था. मतलब ऐसा था कि मुझे इंटर्नशिप पेड नहीं मिला था, किसी कंपनी में नहीं मिला था, मैंने फेलोशिप इंटर्नशिप लिया था जानबूझकर. क्योंकि इनिशियली क्या था कि जब मैं स्टैट्स बैकग्राउंड में था तो हमारे कॉलेज में ऐसा कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होता और कोई कोडिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था साइंस कॉलेज में उस वक्त. अभी तो पता नहीं क्या सीन, अभी के स्टूडेंट्स बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर. तो मैंने कोई प्रोजेक्ट किया नहीं, और जब हम NIT त्रिची में पहुंचे तो हमें जब रिज्यूमे बनाने के लिए बोला गया तो उसमें था कि आपको प्रोजेक्ट्स डालने हैं. अब हमें पता नहीं भाई प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे बनाना है, क्या करना है. तो धीरे धीरे जब दो सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जब हम थे तो जब हमें आइडिया लगा कि हाँ क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे एक ऑनलाइन पोर्टल पे IIT रूपानगर करके एक जगह है, IIT रोपर करके पंजाब में, तो वहाँ उसका एक ऑनलाइन पोर्टल इंटर्नशिप था उसके बारे में पता चला. तो मैंने वहीं ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और वहाँ से मुझे एक फेलोशिप इंटर्नशिप मिला. तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो PhD कर रहे होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो उनका. तो ये मुझे एक मौका मिला, तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करा 2 महीने का सेकेंड सेमेस्टर के ब्रेक के बाद. और उसी प्रोजेक्ट ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि हमारा थर्ड सेमेस्टर में भी कॉलेज में एक प्रोजेक्ट रहता है हम लोग को मिनी प्रोजेक्ट करने के लिए, वो सेम प्रोजेक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन मैंने वहाँ पे किया और वो सेम प्रोजेक्ट मैंने अपने रिज्यूमे में भी डाला, जो मतलब इवेंचुअली मतलब मेरे जॉब को क्रैक करने में उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. तो यही होता है कि अगर आप अच्छे जगह से कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट करोगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्लेसमेंट्स के लिए भी और आपके कोर्स कंप्लीशन के लिए भी. तो वो दोनों तरह से फुलफिलिंग होता है आपके लिए. अब अच्छा प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि आप इंटरनेट से मत छापो, कैगल से मत उठाओ, ऐसा ऐसा कोई भी काम करो तो खुद का कुछ सीख के करो. आप इंटरनेट से सीखो उसको फिर अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई खुद से करो तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, रादर कि आप किसी का जस्ट कॉपी कर रहे हो. तो ऐसा हाय सुधांशु, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट? मेरा प्रोजेक्ट जो था वो था कैटल बिहेवियर एनालिसिस करके, ठीक है, रूपानगर पे कोई वहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था. जो कैटल्स होते हैं उनके कॉलर पे कोई सेंसर्स लगा करके वहाँ से डेटा लिया जाता है और उस डेटा के ऊपर फिर हमने मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा माइनिंग का काम किया. तो बेसिक यही था. कैन यू टेल व्हिच टेक्निक डिड यू यूज इन मशीन लर्निंग? मैंने के मींस यूज किया, KNN यूज किया हुआ है, रैंडम फॉरेस्ट यूज किया हुआ है, डिसीजन ट्री यूज किया हुआ है, उसके अलावा एडा बूस्ट यूज किया हुआ है. ठीक है, अभी लास्ट टाइम जब सेमेस्टर में हम लोग काम कर रहे थे तो मिनी प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बोला कि एक्सटेंड किया था सेम प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे मैंने एनजेम्बल लर्निंग पे काम किया और अभी करेंटली उसी चीज़ को एक्सटेंड करके हम लोग और उस पर ELMs वगैरह लगाने वाले हैं, क्लाउड पे काम शिफ्ट करने वाले हैं. तो फिलहाल प्रोजेक्ट पे अभी और काम चल रहा है, उसको और एक्सटेंड करने का हम लोग सोच रहे हैं ऐसा. ओके, थैंक यू सो मच. या श्योर. साइंस कॉलेज में रेगुलर क्लास क्या साइंस कॉलेज में यार क्लासेस? हाँ रेगुलर, तुम साइंस कॉलेज से अगर हो तो तुम जाते ही होगे, क्लासेस रेगुलर क्लासेस होती ही हैं वहाँ पे. यू शुड अटेंड दैट क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज वहीं से बेस बनता है, तो क्लासेस रेगुलर जाया करो. हमारे टाइम पे यह था कि सेकंड ईयर तक तो अच्छी क्लासेस हुई थी और मैंने तो अब सुना है कि वहाँ पे सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो वो तुमको और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि अच्छा तुम लोग ईयरली में. तो हमारा सेकंड ईयर तक तो क्लासेस चली थी, फिर कोविड वगैरह लग गया तो क्लासेस उतनी अच्छे से हो नहीं पाई, तो कह लो कि घर पे ही रह के अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका मिल गया था. बट तुम अगर क्लासेस कर रहे हो तो तुमको दोनों चीजें साथ साथ में पैरेलली मैनेज करने पड़ेगी. और नया गेस्ट टीचर आया है तो उनका कुछ समझ में ही नहीं आता. अरे भाई तो इस चीज के लिए मैं कैसे बताऊं अब यहां पे. कोशिश करो हो जाएगा, ठीक है ना. हमने भी ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया था और प्रेम ने भी नहीं किया था, फिर भी हम लोग अच्छे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना. और प्रेम भी काफी अच्छे पोजीशन पे, तो आपके सामने एग्जांपल्स बहुत है अच्छा करने वाले, जिनका ग्रेजुएशन बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं हुआ फिर भी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं. तो आप इसलिए जिनको भी इस चीज से प्रॉब्लम होता है ना कि हाँ प्रोफेसर जो पढ़ा रहे वो समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आ रहा, कंप्यूटर समझ में नहीं आता, तो इन सबको अगर कोई अच्छे से गाइड कर सकता है तो वो प्रेम गाइड कर सकता है. क्योंकि प्रेम ने जितना मेहनत किया है ना, मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पे और कोई है प्लेसमेंट वाला बंदा जिसने उतना हासिल किया होगा. क्योंकि वो जियो से स्टार्ट किया है, तो आप लोग हाँ प्रेम थोड़ा बहुत आप बतला दो. भैया क्या साइट से पाइथन लैंग्वेज ये सब करना सही रहेगा?
बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ में अगर तुम स्टैटिस्टिक्स जो भी पढ़ रहे हो अगर उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर कहीं पे यूज करना चाहते हो तो पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है, उसी पे काम करो और साथ साथ में कोई प्रोजेक्ट कर लो तो बेटर है। बेसिकली अभी मैं सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में हूँ साइंस कॉलेज से, तो मैं सोच रहा हूँ पाइथन लैंग्वेज कर लूँ, पेड कोर्स है विद सर्टिफिकेट, तो क्या ये मेरे को हेल्प करेगा आगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बट उसका कंटेंट देख लेना बहुत, मतलब कैसा है, मतलब अगर क्योंकि पेड में भी अगर वो वही चीज सिखा रहा है जो तुम ऐसा सीख सकते हो तो पेड वो ये है, पहले मतलब थोड़ा ऐसे वैसे पढ़ लो उसके बाद तुम मतलब पेड ले सकते हो। तो जावा तो ओल्ड हो गया बट पाइथन अभी नया आया है तो वो थोड़ा लग रहा है कि सीखना सही रहेगा। हाँ पाइथन तो बहुत मतलब इंडस्ट्री में मोस्टली वही यूज होता है तो वो तो बहुत सही लैंग्वेज है और प्लेसमेंट्स में भी मोस्टली उसी का क्वेश्चन उसी से पूछते हैं तो वो सब सही रहता है तो कर सकते हो। सर आईआईटी एनआईटी के लिए रैंक कितनी होनी चाहिए फॉर एनी एनआईटी आईआईटी कॉलेजेस के लिए? थैंक यू भैया। आईआईटी के तो मतलब कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे भैया? आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे? कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे हो? अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो बेसिकली पाइथन और सिक्वल मतलब ये था और आर भी अगर तुम पढ़ोगे तो ये करेगा। देखो एक चीज बता देता हूं, हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं रहता है कि बहुत ज्यादा तुम कोडर बनो वैसा नहीं, लेकिन हमें वो आना चाहिए कि कैसे टूल्स को यूज किया जाता है सारे लाइब्रेरीज को, तो वो चीज होता है। एक छोटी सी चीज बता देता हूँ तुम लोगों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम्हारा झुकाव पार्टिकुलरली स्टैट सब्जेक्ट को लेकर के कि नहीं सिर्फ स्टैट्स पढ़ना है, डेटा साइंस के तरफ जाना है, डेटा एनालिस्ट के तरफ जाना है, तो फिर तुमको सिर्फ पाइथन सीक्वल मतलब डेटा बेस से जो रिलेटेड चीजें हैं, डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, डेटा पे काम कैसे करते हैं, उन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एनआईटी त्रिची का स्पेशली जो कोर्स है वो थोड़ा सा अलग है, वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, तो वहां पे समझ लो कि ऐसा है तुम जो बीटेक सीएसई लोग करते हैं ना वही कोर्स 2 साल में समअप किया हुआ है, तो अगर तुम यहाँ आते हो तो स्टैट्स समझ लो कि थोड़ा सा साइड हो जाता है तुम्हारे मेन स्ट्रीम चीजों से और कंप्यूटर तुम ज्यादा पढ़ते हो, तो यहाँ पे सिर्फ पाइथन पे तुम स्टिक करके अगर रहोगे तो शायद उतना बेहतर नहीं कर पाओगे, तुमको यहाँ पे C++ भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जावा भी सीखना पड़ सकता है, तुमको मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, सीक्वल सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा सब चाहिए होगा। लेकिन इवेंचुअली जैसा दक्ष ने कहा ना कि वो तुमसे ये जानते हैं कि हाँ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए, तो तुम्हें बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डीप डाइव करने का जरूरत नहीं है, अगर ऊपर ऊपर से भी पता है तो काफी है ऐसा। हेलो सुधांशु भैया, मैं सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हूं पाइथन का तो फिर मैं जावा का भी कर सकता हूं क्योंकि ये 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का कोर्स है। देखो तो, सिर्फ कोर्स पे मत जाओ, क्या तुम्हारा नीड है उसके बेसिस पे काम करो। जैसे अगर मान लो कि तुम्हें सिर्फ डेटा माइनिंग या डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस डोमेन में काम करना है तो फिर बाकी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, तुम बस सीक्वल सीखो और पाइथन सीखो बस काफी है। मतलब थोड़ा अपना टारगेट को प्रिसाइज कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि नेट पे बहुत चीज मिल जाएगी, तो इसलिए थोड़ा किस फील्ड में जाना है तुम्हें, उसका क्या नीड है उस इंडस्ट्री का, उस तरह से पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा। जैसे हमारे कोर्स में क्या होता है, आईआईटी त्रिची में क्या होता है कि डेटा साइंस आते हैं सोच करके लोग, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से ज्यादातर लोग होते हैं क्योंकि एमएस पे एडमिशन होता है, तो सब सोचते हैं कि डेटा साइंस के डोमेन में जॉब चाहिए, डेटा साइंस के डोमेन में जॉब चाहिए, बट एनआईटी त्रिची का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे लोगों को मतलब बूस्टअप किया जाता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ट्राई करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए ट्राई करो, और उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स पे कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग डेटा साइंस डोमेन के लिए नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो हम C++ पे ज़्यादा काम करते हैं, हम प्रोग्रामिंग ज़्यादा करते हैं रादर कि हम डेटा के ऊपर ज़्यादा काम करें ऐसा। भैया सर एनआईटी त्रिची से सबसे हाईएस्ट आप ही का प्लेसमेंट हुआ है क्या इस बार? नहीं है, सिर्फ मेरा ही नहीं है, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे बैच से प्लेसमेंट इस बार बहुत अच्छा चला गया है, मतलब ऐसा कि लोगों को उम्मीद नहीं थी, ठीक है, तो ऐसा एनआईटी त्रिची में अपॉर्चुनिटीज बहुत तुमको मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता है कि हर बार इतना ही पैकेज चला ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती इस बार की। मतलब इस बार हाईएस्ट कितना गया है? इस बार हाईएस्ट तो फिलहाल 53 ही है। हां तो आप ही का था सर, कौन सी कंपनी में? AWS में, Amazon Web Services। अच्छा हेलो भैया, एक का क्वेश्चन आ रहा है कि हाईएस्ट पैकेज के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ भाई। हेलो भैया,
हेलो भैया। हाँ हाँ बोलो। हेलो सुधांशु भैया, मतलब मुझे 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 पूछना था कि आप लोगों ने प्रिपरेशन टाइम क्या गलतियां की जो मुझे नहीं करनी है, तो थोड़ा यही पूछना था। मतलब थोड़ा होता ना किसी, ये भैया मैं आईटी में, तो हाँ आपको बॉम्बे में जाना है आपको, तो थोड़ा आपको प्रिपरेशन में क्या आपने गलतियां की जो मैं नहीं करूंगा, तो फायदा होगा, मेरा टाइम बचेगा। देखो, मैं सबसे पर्सनली बात बोलूँ तो मुझे अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सिर्फ एक गलती दिखती है कि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखना शुरू नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती मुझे दिखती है, क्योंकि शशि सर हमेशा कहते रहते थे कि तुम जब एनआईटी आईटी जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर अलग होता है, तुम पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। तो हमने जैम का एग्जाम दिया फेब में, हमारा काउंसलिंग वगैरह खत्म होने का क्लास स्टार्ट हुआ सेप्टेम्बर में, तो फेब से सेप्टेम्बर का जो टाइम था ना बीच का, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन यही होता है ना कि कोविड है, घर में शादी है, ये है वो है, इन सब के चक्करों में ना बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट किया और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख नहीं पाया। जिसके वजह से क्या हुआ कि जैसे ही कोर्स स्टार्ट हुआ ना, तो इतना ज़्यादा बर्डन आ गया कि ये सीखना है, ये सीखना है, ये भी सीखना है, और सब जल्दी जल्दी सीखना है, क्योंकि 4 महीने का कोर्स है, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। और अगर सेमेस्टर के हिसाब से चलोगे तो वो थोड़ा थोड़ा मान के चलते हैं कि हाँ तुम पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो, क्योंकि अगर तुम कंप्यूटर साइंस कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो वो जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगा ही। तो ये गलती मैंने की कि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा। तुम पहले से अगर थोड़ा डेटाबेस पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा C++ पढ़ के जाओगे, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, अगर ये चीज़ें बेसिक लूप वगैरह कैसे चलाते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्वेश्चन एक दो बना करके अगर जाओगे, तो ये चीज़ बेनिफिट करेगा तुमको कोर्स में। ये सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे लगता है कि मैंने की थी। लेकिन एक चीज में सुधांशु, लोग प्रेशर नहीं निकलता है, बस मेहनत करने के जज्बा होना चाहिए जो आप सब में। ये बात तो है सर। यस सर, यस सर। जब तक प्रेशर ना हो ना, कोई मेहनत नहीं करता है, चाहे किसी को भी ले लो, हमें ले लो या आप लोगों को भी ले लो, जब सेमेस्टर का प्रेशर आता होगा ना तो मेहनत आप लोग जम के करते होंगे। लेकिन तो सब प्रेशर होता है, और वो प्रेशर आईआईटी एनआईटी बीएचयू डीयू ये सभी प्रेशराइज करते हैं, और इसी प्रेशर में सब निखरता है। तो उससे भागना नहीं है, उससे लड़ना है। हमें एक चीज का और वैसे बेनिफिट मिला ना कि हम लोग कोविड के टाइम पे थे, तो हमारा पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर ऑनलाइन निकला। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका ओपन बुक टेस्ट होता है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं रहता है, लेकिन कोर्स का और बाकी जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसका रहता है कि आपको सीखना जल्दी जल्दी। तो ऑनलाइन में क्या था कि आप क्लास कर रहे हो तो क्लास में जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं भी कर रहे, कुछ अपना खुद का पढ़ रहे हैं, तो ये बेनिफिट मिला। अगर यही ऑफ कैंपस में रहते तो शायद इतना नहीं मिल पाता। तो ये गलती अगर पहले हुई थी तो उसका भरपाई हो पाया क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में थे, लेकिन अगर मान लो ये सेम गलती कोई करे और सोचे कि नहीं प्रेशर में हम लोग कवर अप कर लेंगे, तो शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑफ कैंपस जब जाओगे तो तुम्हारा बहुत समय बर्बाद होता है, हॉस्टल से कॉलेज जाने में, कॉलेज से वापस हॉस्टल आना, मेस जाना, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने निकल गए, तो इन सब में बहुत समय जाता है। तो ये चीजें का ख्याल रखते हुए पहले से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट रखोगे तो बेनिफिट होगा। सर रैंक क्या होनी चाहिए जनरल रैंक एडमिशन के लिए? सर एक मिनट, क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर डेटा साइंस तो अभी बूम कर रहा है, फ्यूचर डेटा साइंस का क्रेज करीब मिनिमम 10 से 15 साल तक रहने वाला है, मिनिमम इतना रहेगा ही रहेगा, और आने वाला समय डेटा का ही है, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, क्रेज इसी का रहने वाला है। तो आप इसकी चिंता मत करो, बस आप अपने पर फोकस करो और आप मेहनत करो। हाँ थोड़ा मैं ना चाहूंगा ना सुधांशु और दक्ष विशाखा प्रेम जो भी यहाँ पर है, थोड़ा बहुत ना करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा आप लोग बतला देंगे तो, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन जैम से रिलेटेड ज्यादा पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप करियर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, ये ज्यादा जरूर। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो गौतम। सर मेरा ये है कि हमने ग्रेजुएशन में मैथ्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी अपना बातें, तो हेलो। हाँ हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ आ रही आ रही है, बताओ। तो वही मैं एमएससी बीएससी में मेरा कंप्यूटर साइंस रहा है, तो हमने सी और सी प्लस प्लस किया है, तो क्या मैं बाहर कहीं प्लेसमेंट ले सकता हूँ? एमएससी मैथ्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी अपना बातें। हाँ तुम ऑफ कैंपस के लिए तो कभी भी कहीं भी ट्राई कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है? रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, और रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ऑफ कैंपस में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि तुम्हारा रिज्यूमे स्टैंड आउट नहीं हो पाता है। और सर मेरा रिज्यूमे तो बना हुआ है, बट प्रोजेक्ट कैसे करें, इसको इशू है। ऑफ कैंपस में प्रोजेक्ट्स ही सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं करोगे तो शायद ऑन कैंपस प्लेसमेंट में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट चेंज करने की कोशिश करो। तो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे करेंगे प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट के लिए तुम इंटरनेट सर्फ करो, थोड़ा देखो कि तुम जिस डोमेन के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, अगर मान लो डेटा साइंस के लिए ढूंढ रहे हो
तो डेटा साइंस में करेंटली किन चीजों पे रिसर्च हो रहा है, जिन चीजों पे रिसर्च हो रहा है, जिन चीजों का हॉट टॉपिक्स पे मतलब अभी मार्केट में डिमांड है, उन चीजों के ऊपर प्रोजेक्ट करो, ठीक है, तो उस चीज का बेनिफिट तुम्हें ज्यादा मिलेगा। जैसे अभी क्लाउड के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि धीरे धीरे चीजें क्लाउड पर शिफ्ट हो रही हैं, तो कोई क्लाउड का प्रोजेक्ट करो जो डेटा से रिलेटेड हो तो तुमको बेनिफिट दे सकता है इस तरीके से। तो और भी टॉपिक तुम खुद का एक्सप्लोर कर सकते हो, किसी के कहने से मत करो, खुद का ढूंढो, खुद के इंटरेस्ट की चीजें लगाओ, ताकि जब तुम प्रोजेक्ट करोगे ना तो तुम अपने मन से करोगे। किसी के बताने से अगर तुम कोई काम करोगे तो हो सकता है तुम्हारा मन ना लगे उसमें, वो प्रोजेक्ट उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। ओके थैंक यू। और प्रोजेक्ट कहाँ से ढूंढ सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म बता सकते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट ढूंढना नहीं है, प्रोजेक्ट बनाना है। तुम ढूंढोगे तो वहां पे तुम्हें बना बनाया प्रोजेक्ट मिलेगा और तुम उसी का बस उठा लोगे, यही दिक्कत होता है। खुद से बनाने का कोशिश करो। एक वेबसाइट है कैगल करके, वहां पे तुम जा सकते हो, डेटा सेट्स बहुत मिल जाते हैं वहां पे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा बेसिक कि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहां से तुम गो थ्रू कर सकते हो एक बार। भैया ग्रेजुएशन के बाद हमारे लिए बस क्या होगा? एक क्वेश्चन थी। ओके, ग्रेजुएशन के बाद तो यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मैथ्स डिपार्टमेंट से भी ग्रेजुएशन के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज। एक तो IIT जैम दे सकते हो तुम, ठीक है, मास्टर्स करने के लिए। इसके अलावा अगर मास्टर्स तुम्हें करना है तो तुम नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी CU8 का एग्जाम होता है, वहां से भी दे सकते हो। नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद तुम अगर सिर्फ डायरेक्टली जॉब चाहते हो, आगे पढ़ना नहीं चाहते हो, तो वो भी तुम ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं अगर होता है तो ये सब चीजें हैं। बट मोस्टली मैं कहूँगा कि IIT जैम दो, कहीं एक अच्छे कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री लो, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज में जाने का मतलब ये है कि वहां से प्लेसमेंट तुम्हारा अच्छा हो सकता है, तुम्हारा इनिशियल बूस्ट काफी अच्छा मिलेगा, नहीं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, कंपनीज को तुम्हें खुद अप्रोच करना पड़ेगा, कंपनी तुम्हारे पास नहीं आएगी, तो ये एक हासिल होता है। ओके थैंक यू सुधांशु। जो प्रोफाइल जो बोला कि जो प्योर स्टेट बैकग्राउंड से है, ठीक है, कोडिंग पोडिंग नहीं आते, वो यूनाइटेड सिटी में कॉमर्स साइंस पढ़ने गया तो प्रॉब्लम दिक्कत होगी? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम पहले से अगर तैयारी करके आओगे, थोड़ा बहुत कोडिंग अगर सीख के आओगे तो कर सकते हो। नहीं भी अगर करके आओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। ये तुम्हें प्रेम ज्यादा अच्छे से बता सकता है, प्रेम को कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी, उसने बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से शुरू किया, तो वो तुम्हें बेहतर बता सकता है इस बारे में। जानते हो सुधांशु, मैं ना प्रेम का ही वो सब कुछ सोच रखे, मैं इस बार जो भी हमारे बच्चे IIT जैम का एग्जाम देंगे 12 फरवरी को, उनके लिए हम फ्री में कोडिंग का कोर्स स्टार्ट करें, यानी जो भी हमारे स्टूडेंट्स इनरोल है उनको हम, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि इसकी क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, तो इसलिए मैं उनको पहले से प्रिपेयर करना चाहता हूँ ताकि बच्चे जब कैंपस में जाए ना तो दोनों को अच्छे से मैनेज कर सके, कोडिंग वाले पार्ट्स को भी यानी प्लेसमेंट वाले पार्ट्स को भी और अपना अकेडमिक्स को भी। तो कोडिंग बेहतर होना चाहिए, मैं यही कहूंगा कि आप लोग कोडिंग जैम देने के बाद से तुरंत से लग जाना, ये मत करना कि आप उसके लिए वेट करना, तो वेट करोगे तो चार से पांच मंथ कैसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ आप प्रेम कुछ बतला रहे थे, बतला दीजिए। हेलो प्रेम, मेरी आवाज आ रही है कि आप तक? आवाज आनी बंद हो गई, सुधांशु भी बोल रहा हूँ। सुधांशु प्रेम शायद नहीं है सर मीटिंग में, मैं भी वो लीव कर गया है शायद से। वो पहले बोला था कि सर मेरे तरफ नेटवर्क काफी वीक है, तो आप ही बतला दो उसकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि आप लोग एक साथ खड़े हो। हाँ मतलब प्रेम तो सर ऐसा था कि दूसरे ही दिन कह रहा था कि भाई मैं कोर्स छोड़ दूंगा लेकिन है साथ में। हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा क्या था कि NIT त्रिची के जो प्रोफेसर है ना, तो उनका थोड़ा सा साउथ का डायलेक्ट है और वो इंग्लिश इस तरीके से बोलते हैं, तो प्रेम को समझने में बहुत दिक्कत होता था। तो कहता था यार कि क्लास में कुछ समझ में आता है नहीं, ज्वाइन करके बैठे रहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऑनलाइन था तो और भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अकेला था घर पे। लेकिन फिर वही है कि हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया, सीनियर्स आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे IIT NITs में, ये बहुत अच्छी बात होती है जो मैंने साइंस कॉलेज में उतना ज्यादा नहीं देखा है, ठीक है। तो हाँ ये बात मैं कहूंगा, अगर प्रेम कर पा रहा है ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और होगा जो प्रेम का जैसा बैकग्राउंड रहा है वैसा किसी का भी रहा होगा, बाकी सब और बेहतर ही हो गए। मतलब जहाँ तक मुझे उसको NCERT से पढ़ाना, मैंने जब वो मेरे पास आया था ना पहली बार की, तो उसको NCERT भी नहीं आता था प्लस टू का, वो लड़का वहां से पढ़ना स्टार्ट किया और इतनी लंबी जर्नी तय करके अच्छा किया। मैं उसके ना प्लेसमेंट सुनकर के मैंने बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि एक लड़का जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और वो जो बहुत अच्छा करता है ना, तो एक अलग तरह की खुशी होती है। और आप सब में क्वालिटी पहले से थी, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड पढ़ना साइंस कॉलेज से रहा है ना, तो आप लोगों के अंदर वो वाली क्वालिटी थी, लेकिन उसके अंदर वो नहीं था कि वो
मींस बेहतर कर सके, लेकिन फिर भी उसने मेहनत करके इस चीज को प्रूव कर दिया कि हर कोई लाइफ में मेहनत के दम पर बेहतर कर सकता है। जो लोग रैंक के लिए पूछ रहे हैं ना, रैंक भाई सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है ना, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि तुम इतना रैंक ले आओगे तो इस कॉलेज में चले ही जाओगे, लेकिन फिर भी अगर एक रफ फिगर लेना हो तो ऐसा कह सकते हो कि अगर टॉप 100 के अंदर हो अगर तुम, तो मोस्ट प्रोबेबली जनरल कैटेगरी के लिए शायद टॉप 50 चाहिए होगा IIT बॉम्बे के लिए, और NIT त्रिची के लिए अगर टॉप 100 में रहोगे तो शायद मिल जाएगा आराम। नहीं, जनरल के लिए टॉप 22 हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, इस बार IIT कानपुर का प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ा गया। IIT बॉम्बे का जितना हाईएस्ट है ना, उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना IIT कानपुर का हाईएस्ट पैकेज गया, 56 लाख पर एनम गया है शायद, यदि कोई वहां से होगा। शत्रुधन ने मुझे बतलाया, मुझे भी पता नहीं, मेरे स्टूडेंट्स वहां पर है, शत्रुधन है और सुभद्रा नाम के दो स्टूडेंट्स है वहां पर, उन्होंने ही मुझे बतलाया कि इतना का हाईएस्ट पैकेज गया है। यानी IIT बॉम्बे के कंपेयर में IIT कानपुर का इस बार प्लेसमेंट काफी अच्छा गया है और आगे भी अच्छा ही जाएगा, बॉम्बे का भी जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा। थोड़ी चीजें कोविड के चलते अनबैलेंस हो गई है, लेकिन इस बार वो सारी चीजें सिमेट्रिक हो जाएगी और अगले बार से हर कॉलेज का बेहतर पैकेज जाएगा, क्योंकि ये एक लोएस्ट एक फिक्स हो गया ना कि इसके ऊपर ही जाना है। तो एक बच्चों का भी माइंडसेट बन गया कि मैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख तक पैकेज ले सकता हूँ। बीटेक वालों का इतना पैकेज क्यों जाता है, क्योंकि वो बाहर से सुन करके जाते हैं ना कि मैं 1 CR तक का पैकेज ले सकता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब सुधांशु भैया का 53 गया, किसी और का 60 गया, तो आपका एक माइंडसेट बन गया कि हम भी इतना ले सकते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग होने लगेगी। तो अब आने वाले समय में जो भी MSc से मास्टर्स कंप्लीट करेंगे उनका काफी अच्छा पैकेज आने वाला है। हाँ यार, कुछ पूछना तो करियर से रिलेटेड कुछ पूछ नहीं रहे हो, केवल जैम का पूछ रहे हो। सुधांशु, आपका डोमेन अभी कंप्यूटर साइंस का है या डेटा साइंस का? सुधांशु भैया एक एक करके पूछ रहे। हाँ आकाश, पहले तुम पूछ लो। हाँ सुधांशु भैया, गुड इवनिंग, मैं आकाश नागरे फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से हूँ और अभी मैं करंटली 3rd ईयर में स्टैटिस्टिक्स से हूँ। और कैन यू प्लीज एलेबरेट अबाउट द CET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और मेरा और एक डाउट था, जो BHU का एंट्रेंस होता है वो CET के अंडर रहता आता है या उसका अलग से एंट्रेंस होता है? नहीं, पहले BHU का अलग से होता था, बट अब वो भी CET के अंडर ही आता है। ठीक है, तो CET का एग्जाम जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे हरियाणा का है, राजस्थान का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऐसे मोस्टली हर एक स्टेट का कोई ना कोई एक अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, तो वहाँ पे वो एग्जाम दोगे तो उसका ओपन काउंसलिंग होता है। और CET का एक्चुअली थोड़ा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें तुम्हें कॉलेज वाइज फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कितना रैंक आ रहा है, उसके बेसिस पे कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तुम बस उन्हीं कॉलेजेस में अप्लाई करोगे, और उसका टाइमिंग का भी बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। तो सेंट्रलाइज नहीं है चीज़ें, लेकिन यही है कि CET देने के बाद तुम कोई ना कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीन ऐसा है कि वहाँ पे प्लेसमेंट होता भी है, नहीं भी होता है, वो डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग हो जाता है, और वहाँ के सीनियर्स कैसे लास्ट ईयर मैनेज करके गए उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो CET के बारे में आई गेस कि बेसिक मुझे इतना ही पता है। मेरा एक भाई है जो MCA कर रहा है, CET से हरियाणा गया था, हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी MCA कर रहा है, तो वो वहाँ पे है। तो अगर कुछ क्वेरी होगा तो तुम मुझे पर्सनल DM कर देना, मैं CET के बारे में तुम्हें बता दूंगा। ओके सर, मुझे एक क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, सर मुझे पूछना था ISI के बारे में, कोई आइडिया है तो प्लीज बता दें। ISI के बारे में इसकी शशि भी है, संतोष भी है, तुमको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने कभी ISI के लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सुधांशु, कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर जॉब प्रोफाइल एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सैलरी इन CTC? देखो सैलरी का तो ऐसा है कि CT अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बस ओवरऑल मतलब ऐसा पता है कि 53 CTC है, उसमें ब्रेकडाउन कैसा है ये भी नहीं बता पाऊंगा। और इसके अलावा जो जॉब प्रोफाइल है, तो जॉब प्रोफाइल अभी हम लोग का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। AWS में क्या है कि 5 अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स है। हमारा स्टार्टिंग का 6 महीना जो है वो एक टेक्निकल, क्या कहते हैं उसको, टेक्यू प्रोग्राम होता है AWS का अपना। तुम उसके बारे में शायद सर्च करोगे तो गूगल पे तुमको बहुत मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं कि वो इस तरीके के अलग अलग चीज़ें बना के रखते हैं। बहुत सारे अमेजोन के ऐसे लिंक होंगे जो तुम्हें शायद मिलेंगे भी नहीं, जो जब तुम जॉब प्रोफाइल के लिए क्रैक करते हो ना तो तुम्हें प्रोवाइड कराया जाता है उन सब चीज़ों को। 5 अलग अलग जॉब प्रोफाइल है, हम 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे,
उस ट्रेनिंग के बेसिस पे हमारा जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो प्रोफाइल हमें एलोकेट की जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया एनआईटी त्रिची जो है उसका जो कोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन ओरिएंटेड काम नहीं करता है, वहाँ पे तुम प्रोग्रामिंग भी सीखते हो, वेब डेवलपमेंट भी सीखते हो, डेटा साइंस का भी काम सीखते हो, डेटा एनालिस्ट का भी सीखते हो, तो सब कुछ है। तो ऐसा है कि 5 अलग अलग प्रोफाइल्स है वहाँ पे, एप्लीकेशन डेवलपर है, वेब ऑप्स है, डेटा एनालिटिक्स का भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है। तो जैसा हम जो टेक्यू प्रोग्राम है उसमें जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा हमें कोई जॉब प्रोफाइल ऑफर किया जाएगा। तो फिलहाल हमें बस इतना ही पता है। एनआईटी तिरछी और आईआईटी बॉम्बे में बेटर कौन है अभी हम लोगों के लिए? ये डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बता सकते, वो तुम्हारे प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बेटर है। बेटर कोर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा डोमेन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें कंप्यूटर पढ़ना है तो तुम एनआईटी तिरछी आओ, तुम्हें अगर स्टैट्स पढ़ना है तो तुम आईआईटी बॉम्बे जाओ, सिंपल है। सुधांशु भैया एमसीए के बारे में कुछ कहिए, प्रश्न बता सकते हैं? सुधांशु भैया हैज हाईएस्ट पैकेज। हेलो सुधांशु भैया। हाँ हाँ बोलो। बोलना है कि हाईएस्ट पैकेज इंटरव्यूअर कौन से कैसे बंदे को दे दिया? अरे यार अब तुम डिप्लोमेसी वाले साल जैसे, देखो ऐसा होता है ना कि हाँ एक चीज देखो मैंने जो रियलाइज किया ना, जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है वो है कि तुम लोगों से बात कैसा करते हो, ठीक है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। अगर तुम्हें बोलने नहीं आता है ना ढंग से, या अगर तुम बोलने में शर्माते हो, लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हो, तो फिर जॉब लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से प्रेम के साथ यही दिक्कत थी कि वो पहले बात नहीं कर पाता था। तो जब हम कॉलेज पहुंचे थर्ड सेमेस्टर में ना, तो हम ऐसे ग्रुप में बैठ के उसको ऐसे कुर्सी पे बैठा करके और 6-7 दोस्त ऐसे कंटिन्यूअसली हर रोज रात को उसका इंटरव्यू लिया करते थे, ठीक है। तो वो फिर ऐसे बेबाक होकर के धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो बहुत बार क्या होगा कि तुम्हारा ऑफ कैंपस इंटरव्यूज हो जाएगा तो आमने सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहा होगा, बहुत बार ऑनलाइन मोड में होता है। तो डिपेंड करेगा कि तुम बात कैसे करते हो, ठीक है, सब कुछ। मैं को लेकर काफी ज्यादा चिंतित था, लेकिन ये मुझे पूरा भरोसा था, ओम है, सुधांशु है, तो मुझे पूरा भरोसा था कि वो कोप अप कर लेगा, और तुम लोगों ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की। जिस दिन सर, जिस दिन प्रेम का इंटरव्यू था उसके पिछली रात को हम लोग उसको एसक्यूएल के क्वेश्चंस याद करवा रहे थे, और पता नहीं बाई लक था या क्या था, जिस दिन यही होता ना कि प्लेसमेंट्स में ना बहुत ज्यादा लक मैटर करेगा, तुम्हारी मेहनत तो ऑब्वियसली रहेगी बट लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, तुमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा, सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा। और किसी किसी दिन ऐसा होगा कि इंटरव्यूअर तुमसे कोई भी सवाल पूछे और तुम आंसर नहीं दे पाओगे लेकिन तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, तो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट सबका होता है। यदि जो लास्ट प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट सबका हो जाएगा, इसकी गारंटी है। उसके अंदर 3 कोर्स आता है, ठीक है, एक तो एमएससी सीए से जो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा एक एमटेक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, और उसके अलावा फिर एक है एमसीए, ठीक है, तीनों मास्टर्स के कोर्स है। एमसीए में एडमिशन निमसेट के थ्रू होता है, निमसेट एक एग्जाम होता है, वो दे सकते हो उससे, तो उससे जितने भी इंडिया में एनआईटीज हैं उसमें एमसीए का कोर्स मिलता है। मोस्टली एमसीए जो 2 साल का होता है, बट एनआईटी त्रिची में पता नहीं कि 3 साल का एमसीए का कोर्स है, ठीक है। तो वहाँ से भी जो अपॉर्चुनिटीज एमएससी सीएस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं या आईआईटी जैम देने का जो बात कर रहे हैं, वो सेम अपॉर्चुनिटीज एमसीए वालों को भी मिलती हैं। और कंप्यूटर फील्ड में एमसीए वालों को बहुत कॉलेजेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं एमएससी के ऊपर, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि एमसीए बहुत रिनाउंड कोर्स है ना कंप्यूटर के फील्ड में, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है जॉब के लिए। तो अगर तुम चाहते हो कि हाँ अगर जॉब करना है कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो एमसीए बहुत बेस्ट है। एमसीए के बाद पीएचडी वगैरह करने के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो उसके लिए तुम्हें कंप्यूटर के फील्ड से ही कोई ना कोई पीएचडी के लिए तुम इनरोल कर सकते हो। लेकिन जैम वाले जो एमएससी कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा लिबरेशन रहता है इस चीज़ में कि तुम कंप्यूटर के फील्ड से भी कर सकते हो, स्टैट से भी कर सकते हो, मैथ से भी कर सकते हो। तो पीएचडी अगर करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। हेलो नो भैया, बेसिकली अच्छे जॉब चाहिए थे एमसीए के बाद ही वो कुछ। हाँ तो जॉब तो एमसीए के बाद आराम से मिल जाएगा कहीं भी, अगर तुम ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रहे हो कहीं, एमसीए का अगर तुम्हारे पास डिग्री भी रहेगा ना तो भी जॉब मिल जाएगा, ठीक है। हेलो भैया सुदन एनआईटी में, हेलो हेलो एनआईटी त्रिची में आपका लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट रहता है वो डेटा साइंस प्रोजेक्ट रहता है या कंप्यूटर साइंस का वेब डेवलपमेंट का, किसके रिलेटेड रहता है टॉपिक? हमारे सीनियर्स जो रेकमेंड करते हैं वैसा रहता है कि मिनिमम 2 प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए, और 2 प्रोजेक्ट से कम तुम डाल नहीं सकते। तो हम लोग ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि तुम 2 प्रोजेक्ट जो कर रहे हो ना वो ऐसा करो कि एक वेब डेवलपमेंट का हो, एक मशीन लर्निंग का हो,
मतलब डेटा, एक डेटा रिलेटेड हो और एक वेब डेवलपमेंट रिलेटेड हो, ठीक है। हम लोग रिकमेंड किया जाता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सारा इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट ग्रुप में नहीं होता है, तो ऐसा ही रहता है। लेकिन हम लोगों ने जो किया था, मतलब मैंने जो स्पेशली किया था, मेरा दोनों का दोनों ही मशीन लर्निंग का ही प्रोजेक्ट था, दोनों डेटा ही रिगार्डिंग था। मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी है ना दोनों, अगर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स रहेगा तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। कभी तुम्हारे प्लेसमेंट में ये ऐसा कोई रिस्ट्रेन नहीं आएगा इसके वजह से कि तुम किस टाइप का प्रोजेक्ट कर रहे हो। बस अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बस यही है। ओके ओके, थैंक यू भैया। भैया हाँ हाँ, गुड इवनिंग भैया। हेलो, मुझे ये पूछना था, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है या ऐसा कुछ? देखो, मैं सही बोलूं तो यार, मेरे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, ठीक है। कोविड के टाइम पे मैं बैंकिंग करने जा रहा था, मेरा बहुत ज्यादा मन लगता है थिएटर वगैरह करने में, ठीक है, तो मैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ ज्यादा इंसान हूँ नहीं, लेकिन बस ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ तो ठीक ठाक समझ में आ जाता है। तो ऐसा था कि जब कोविड लगा तो थिएटर बंद हो गया और बैंकिंग करने का सोच रहा था, तो उस मोमेंट पे जब लगा कि नहीं, ये तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो जब जैम दिया तो जैम में ऐसा स्कोर ही आया था कि मैं कोई और अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं रहा था। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था कि मैं NIT त्रिची जा सकता हूँ, और कहीं मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं कहीं और जाने का सोचता हूँ तो फिर मुझे और समय चाहिए होता, एक साल या हो सकता है 6 महीने, जितना भी, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ड्रॉप ले चुका था एक बार, और ड्रॉप मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई और है ऐसा जो रेकमेंड कर रहा है कि नहीं एक साल ड्रॉप लेकर के जैम दे सकते हैं, तो हो सकता है कि शायद वो अच्छा डिसीजन हो या ना भी हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साल बर्बाद करना उतना बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता है। तो मैंने वो चीज़ नहीं करी, मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी जो मिली मैंने वो ग्रैब कर ली, बस ऐसा। अगर भैया कोई मनीष झा आपके रूममेट थे क्या? कौन कौन? मनीष झा? नहीं पता भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये कौन है? गुनगुन है, गौतम क्या नाम है? गुंजन है शायद, पता नहीं। अगर कोई एमएससी के बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की पढ़ाई करना चाहता है तो उसको NIT त्रिची में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? टेस्ट करने के लिए पता नहीं, शायद मैं तो रेकमेंड करूंगा कि नहीं शायद, क्योंकि NIT त्रिची का जो कोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस्ड है, ठीक है, तुम कॉरपोरेट में कैसा काम करोगे वो बहुत ज़्यादा उसी पे डिपेंड करता है, या तो वो कर सकते हो या दूसरा ये होता है कि तुम PhD कर सकते हो, इन दोनों से ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा NIT त्रिची का कोर्स है। ISS करने के लिए आई गेस अगर स्टैटिस्टिक्स से करना चाहते हो तो तुम्हें फिर IIT कानपुर या फिर IIT बॉम्बे देखना चाहिए। NIT त्रिची में स्टैटिस्टिक्स मतलब अगर मिनिमल है से करेंगे तो PhD प्योर स्टैट में कर सकते हैं क्या? NIT त्रिची से करने के बाद? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं, क्योंकि स्टैट से जुड़ाव रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टैट्स पढ़ना नहीं होता है। हम लोग बस 2 सेमेस्टर स्टैट्स पढ़े थे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, अभी लास्ट सेमेस्टर हमने कुछ स्टैट्स नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा है कि मशीन लर्निंग हमेशा पढ़ते रहते, तो मशीन लर्निंग में स्टैट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई भी एल्गोरिदम होता है जो स्टैट्स के बेसिस पे ही चल रहा होता है, तो थोड़ा थोड़ा जुड़ाव तो रहता ही है। बस यही है कि जब तुम वापस से PhD स्टैट्स के लिए जाने मतलब आगे जाओगे अगर MSc करने के बाद, तो थोड़ा सा रिवीजन तुमको करना पड़ेगा जो तुमने UG में पढ़ रखा था उस चीज, लेकिन कर सकते हो। भाई आपका रैंक और मार्क्स में था जैम MS में? यार रैंक और मार्क्स के पीछे मत जाओ, मैं अभी फिर से बोलूंगा, रहने दो वो चीजें, तुम मेहनत करो पहुंच जाओगे वहां तक जहां सोच रहे हो। सब कुछ तो BSc स्टैट्स के बाद का ही है ना, ये जैम के बारे में हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, स्टैट्स के बाद ही बहुत स्कोप है, ठीक है, जैम के अलावा तुम स्टैटिस्टिक्स अगर कर लियो और बेसिक अगर तुम पाइथन वगैरह सीख करके कोई एक प्रोजेक्ट कर लेते हो तो तुम ऑफ कैंपस जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और अगर वो नहीं है तो फिर तुम ISS के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए, ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर शायद मास्टर्स के बाद ही होता है, अगर तुम मास्टर्स नहीं कर रहे हो तो शायद तुम गेट का एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर मास्टर्स कर लेते हो MSc कर लेते हो अगर स्टैट से या किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसके बाद तुम गेट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो गेट का एग्जाम देते हैं वो भी तुम दे सकते हो। एक चीज मैं बतला, मेरा जॉब लगा था ना गेट स्टैटिस्टिक्स को क्रैक करके लगा था, जो रेलवे का सब पार्ट है क्रिस, जिसमें मेरी जॉब लगी थी एज ए पोस्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट, तो वो गेट स्कोर के थ्रू लगा था। गेट स्टैटिस्टिक्स जो एक पेपर 2019 से लिया जा रहा है, पहले मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 2018 का पहले एक साथ आता था, लेकिन 2019 में दोनों को अलग कर दिया, मैथ अलग कर दिया और स्टैट्स अलग कर दिया, तो शायद वो कुछ सोच के किया है ताकि हम जॉब की अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए निकाल सके। हेलो सर, सर गेट का कितना स्कोर आएगा तो जॉब लग सकता है?
देखिए चीजें रिलेटिव, कुछ आइडिया बता सकते हैं? देखिए सब कुछ रिलेटिव होता है। यदि मैं गेट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो यदि आप 30 मार्क्स ला पाते हो ना, तो आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। ठीक है, यदि आप 35 मार्क्स प्लस करते हो तो आपकी रैंक टॉप 10 के आसपास रहेगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। ठीक है, और मीन्स कोई कोई तैयारी कराने वाला भी नहीं है और कोई सीरियसली तैयारी करता भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा ना, तो आपका अच्छे रैंक के साथ जैम क्रैक हो जाएगा। सर मैं गेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि गेट के लिए कितना रैंकिंग आना चाहिए जिससे मुझे कोई कंपनी मिल जाए। सर सर एक्चुअली गेट के बारे में ही बता रहे थे, बस वो लास्ट में जान पूछ रहे हैं। क्या थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा ना, टॉप 35 मार्क्स प्लस कर जाइएगा, तो आपकी रैंक टॉप 10 के आसपास रहेगी, क्योंकि टॉपर का ही 50 से कम रहता है। तो उसके रिलेट करके देखेंगे तो आपका गेट स्कोर भी अच्छा होगा और रैंक भी बेहतर होगा। कोई भी पेपर, हाँ आप IIT कानपुर के लिए एलिजिबल हो। IIT कानपुर में हर बंदा एडमिशन ले सकता है IIT जैम क्रैक करके, चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई मायने नहीं रखता। मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, कोई भी मायने नहीं रखता। बस आप उसके लिए जैम क्रैक करके वहां जाइए और वो आपका एडमिशन लेगा और आपको हर चीज के लिए फैसिलिटीज वहां मिलेगी। लेकिन केवल और केवल IIT कानपुर में अभी हुआ है। हो सकता है कि अगले बार IIT बॉम्बे में भी हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे एक एक IIT करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर बंदा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। क्लियर है? एंड NIT सर? नहीं, NIT में के लिए आपके पास मैथमेटिक्स कम से कम होना चाहिए। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स कम से कम 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर का कोर्स होना चाहिए, सेम IIT बॉम्बे के साथ, चाहे मैथ में या स्टैट्स में। केवल मैथ या स्टैट्स नहीं, या तो मैथ में हो या फिर स्टैट्स में। आपका सब्सिडी पेपर्स? हाँ सब्सिडी पेपर, मैं केवल सब्सिडी की ही बात कर रहा हूँ। ऑनर्स है तो बेस्ट है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, भले आपका हिस्ट्री ऑनर्स है लेकिन आप सब्सिडी में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप IIT बॉम्बे और NIT त्रिची के लिए आप एलिजिबल है, लेकिन IIT कानपुर के लिए हर कोई एलिजिबल है। सर मेरा 3 सेमेस्टर मैथ्स है और 1 सेमेस्टर स्टैट्स है, तो क्या एलिजिबिलिटी है? क्या 1 सेमेस्टर मैथ्स है, 1 सेमेस्टर स्टैट्स है? यार ये तो मुझे आईडिया अब नहीं है। देखो एक चीज सजेस्ट करूं यार, तुम लोग जो इस तरीके के सवाल पूछते हो ना, इससे अच्छा है कि तुम थोड़ा सा खुद सर्व करो। तुम जो कोर्स लेना चाहते हो ना कि हाँ मुझे ये चाहिए NIT त्रिची में या ये चाहिए IIT बॉम्बे में, तो तुम उसका एक वेबसाइट एक बार विजिट करो। ठीक है, उस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एकेडमिक्स सेक्शन में सारे कोर्सेज लिस्ट डाउन रहते हैं, तुम उस कोर्सेज को चेक करो और वहाँ पे हर एक कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है ना वो दी हुई रहती है वहाँ पे। बट मेरा मैथ्स है, 2 साल मैथ्स पढ़ाई किया, बट उसमें 3 सेमेस्टर मैथ्स है और 1 सेमेस्टर 4 जो था उसमें कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स था। तो वो था ना, तो तब तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो। तो भी ऐसे डाउट्स होते हैं ना कि मैं एलिजिबल हूँ इस कोर्स के लिए या नहीं हूँ, तो तुम वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। और अगर मान लो फिर भी तुम्हें डाउट आ रहा है, तो हर एक कॉलेज का ना अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी होता है, तुम उनको मेल करके अपनी क्वेरी पूछ लो, वो तुम्हें रिप्लाई बैक कर देंगे कि हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे बॉम्बे में जब था ना, तो 2 स्टूडेंट्स आए थे मेरे रेफरेंस से, वो मुझे कॉल करके, मैं उस समय IIT बॉम्बे में था, तो उनको मैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो भी एडमिन होता है IIT जैम का, मैं वहां पर लेकर के गए और उनका जो भी अपना क्वेश्चन था वो लोग पूछे और उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। तो आप ये सेम काम मेल करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि देखिए आपको यह ना वेबिनार में कैरियर से रिलेटेड के लिए किया हूं कि आप प्लेसमेंट के बारे में जानिए, ठीक है ना। आप ये कॉमन चीज आपको कोई भी बतला देगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज है कि IIT से MSc के बाद किया, NIT से MSc के बाद किया, BHU DU से MSc के बाद किया। तो यदि आपके मन में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लेसमेंट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, हमें किस फील्ड में ज्यादा हमारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो, क्योंकि इनको बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि ये लोग वहां बैठ करके चीजों को देख रहे हैं कि स्टैट्स का, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में।
तो ये लोग बेहतर तरीके से बतला पाएंगे दूसरे के कंपेयर में। लेकिन आप लोग क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहे हैं, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना है क्या क्या NIT त्रिची का एवरेज कितना ज्यादा है पैकेज? ये हर साल का अलग अलग होता है यार, सब्जेक्टिव है, जैसा कि बताया ना, इस बार बहुत अच्छा चला गया है बाय गॉड ग्रेस कह लो या बाय लक कह लो, हर बार इतना अच्छा नहीं जाता है, लेकिन प्लेसमेंट सबका हो जाता है, इस बात की गारंटी रहती है। फिर भी बाय एंड लार्ज कहा तो कितना जाएगा? देखो अगर हर साल का अगर बात करूँ तो ऐसा होता है कि मिनिमम 8 से नीचे नहीं जाता है, और मैक्सिमम तो तुम देख ही रहे हो कहाँ तक जा रहा है, तो इसके बीच में तुम कोई भी एक नंबर अपने मन से रख लो। एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, प्लेसमेंट भले ही कम पैकेज पे हो जाए आपका, लेकिन ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल होगा। तुम्हें सही सुनने में सुना? हाँ यस सर, यस सर, सुनने में ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार 8 लाख क्या ही लग रहा है, लेकिन जिनका जॉब नहीं हो रहा ना उनसे बात करो एक बार, या जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके बीटेक 4-4 साल करके आ रहे हैं और फिर 3.5-2 लाख 2 लाख के CTC पे जॉब करने जा रहे हैं। मेरा खुद का भाई है अभी अहमदाबाद में 3.5 लाख CTC पे काम कर रहा है, जबकि वो 6 साल से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, लाइक 3 साल उसने डिप्लोमा किया और फिर लैटरल एंट्री से 3 साल उसने बीटेक किया, तो बहुत मेहनत लगती है ठीक है, लेकिन जगह का जो है ना वो फर्क पड़ता है। अगर आप NIT त्रिची से हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ इंश्योर किया जाता है कि आप मिनिमम तो 8 लाख का पैकेज लेके जाओ, उससे नीचे नहीं ठीक है, और मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि जो कंपनीज आ रही हैं, अगर आपका कोर्स उस चीज़ के लिए एलिजिबल है तो अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपको बैठने दिया जाएगा प्लेसमेंट प्रोसेस में, अगर आपके अंदर है पोटेंशियल तो आप पैक कर लो सीधा ऐसा। बढ़िया, हाँ हाँ, जैसे आपने बोला ना कि मेरे को लगता है पर्सनली कि 1 साल वेस्ट करना सही नहीं है, मान ली आप जो बोले कि हमको कहीं नहीं हो रहा था, अपने रैंक के हिसाब से जो मेरे को बेस्ट लगा वो NIT त्रिची में हमको मिला, ले लिए, मान लीजिए आपका कुछ तो बैंक पे जाते या फिर MCA करते, क्या करते? मैं बैंक का तैयारी करता भाई, सही बता रहा हूँ। वो मैं देखो जब मैं सितंबर में जब मैंने ये डिसाइड किया ना कि मुझे बैंक नहीं करना है, तो बस मन में बस यही था कि यार कुछ भी हो जाए जैम क्लियर हो रहा है इस बार ठीक है। मुझे याद है कि जैम के जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले 13 फरवरी के रात को मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, एक दोस्त है मेरा अमन नाम है उसका ठीक है, वो अभी CUCET से MBA कर रहा है जम्मू के किसी कॉलेज से, वो मुझसे कह रहा था कि अगर मान ले तेरा जैम नहीं हुआ तो क्या करेगा, तो मैंने उसको बोला कि जैम हो रहा है भाई, ऐसा है ही नहीं कि जैम नहीं हो रहा, मैं फुल कॉन्फिडेंस था कि जैम तो हो रहा है इस बार, ये पूछ कि जैम के बाद क्या करेगा, कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अगर तुम अपने अंदर नहीं लेके चल रहे हो ना तो फिर मुश्किल है, तुम्हें मान के चलना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को इतना मेहनत करके इस लायक बनाना पड़ेगा कि तुम अगर कोई चीज ठान रहे हो कि हाँ ये करना है तो कर लेना है। बाकी शशि सर के साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत करा था, अभिनव मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में मिलकर रात रात भर प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाते थे, तो इतना कॉन्फिडेंस तो था कि सीट तो मिल जाएगी, इतना तो श्योरिटी थे, बस ये नहीं पता था कि हाँ कैसा जाएगा पेपर नहीं जाएगा, हम लोग तो जब पेपर देके निकले थे तब भी लग रहा था कि अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लिया होता तो शायद और बेहतर हो सकता था, बट ठीक है, ये हर साल हर बच्चे को लगता है। ये हर साल लगता है, सही बात है। गवर्नमेंट जॉब ऐसे में जो एमएससी कर रहे हैं, एक एक करके पूछो भाई, रुक जाओ विकास यार, ये सुजात कौन है जो भी पूछ रहा है वो पूछ लो। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ कि NIT में कोई कंप्यूटर साइंस का कोर्स करे तो ठीक है, कौन कौन टॉपिक से पहले फोकस करना पड़ेगा BSc के बाद और MSc के एडमिशन के लेने के आगे? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, और इसके अलावा थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, इतना काफी है। सारा तो बीटेक वाला ही हो गया। हाँ, तो तुम्हें लग रहा हो कि सारा बीटेक वाला है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैंने वेब डेवलपमेंट का एक भी कोर्स का नाम नहीं लिया है ठीक है, इसके अलावा तुम मल्टीमीडिया पढ़ना होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का बहुत पोर्शन पढ़ना होता है, मैंने जितना भी नाम लिया है ना ये सब बेसिक्स पढ़ने हैं सिर्फ, बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करना है टॉपिक में। बेसिक्स कहने का मतलब अगर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हो तो तुम कोई भी प्लेलिस्ट सर्च करो, बैकग्राउंड नहीं है वो भी यही सब पढ़े। हाँ, सब सबको यही कॉमन चीजें पढ़नी होती हैं। तुम्हें लगता होगा कि बीटेक में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ा दिया है, इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है, वो बीटेक वाले भी यही कर रहे होते हैं, वो भी 4 साल पढ़ने के बाद वहीं पे होते हैं जहां हम 2 साल पढ़ने के बाद होते हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा मेहनत कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है एमएससी करने के बाद? जैसा कि एक तो बताया एमएससी करने का तुम गेट का एग्जाम दे सकते हो, जिससे जहां पे भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट अवेलेबल है, जैसे क्रिस में थी, इसके अलावा और भी PSUs में होती है, तो वहां पे तुम्हारा जॉब हो सकता है। इसके अलावा तुम IAS का एग्जाम दे सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का UPSC के थ्रू एग्जाम होता है वो,
उसके अलावा एक आरबीआई का भी अपना एग्जाम होता है, ठीक है, वहाँ पे भी तुम ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बाकी जितने भी गवर्नमेंट जनरल तुम देख रहे हो कि हाँ वो सारे एलिजिबल, तुम ऑलरेडी ग्रेजुएशन के बाद ही रहते हो, तो कह लो कि एमएससी करने के बाद और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, गवर्नमेंट जॉब बेस्ट रहेगा या प्राइवेट सेक्टर जो? अब ये तो तुम्हारा अपना प्रेफरेंस, ये तो तुम्हारा अपना प्रेफरेंस होना चाहिए भाई, मैं क्या बताऊं इस पे। मींस आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है वो आप पर डिपेंड करता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है स्टेट्स का, उसका यूजफुल मेन में जो दो साल जितना भी है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, वो पूरा का पूरा सिलेबस जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे साल का थोड़ा सा नहीं है, लेकिन दो साल का जितना भी तुम पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, वो सारा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स सब दोनों सारा सारा। हाँ okay. और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बोलो भैया। वो प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग होता है होता है नॉर्मल बेसिक डेवलपिंग जो आप लोग आवाज बहुत ओवरलैप कर रहे हैं, एक एक करके बोल लो। भैया वो जैसे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चंस मतलब इंटरव्यू में होते हैं या आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड ही? डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हो तो सब कुछ मतलब सब्जेक्टिव होता है। कोई कोई कंपनी है जो आएगी वो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाएगी, बोलेगा हाँ दो तीन क्वेश्चन दे देगा डेटा स्ट्रक्चर का, बोलेगा सॉल्व करके दिखाओ। अगर कर पाए तो हो जाएगा, नहीं भी कर पाए तो भी कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। कभी कभी कंपनी आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट पर बात करेगी और कुछ नहीं पूछेगी, बहुत बार तो प्रोजेक्ट्स पर भी बात नहीं होती है। बस वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, मतलब अगर तुम आ रहे हो यहाँ पे ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्लेसमेंट गारंटीड है, मिल जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो कंपनी आएगी तुमसे सिर्फ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछेगी, नॉर्मल जैसे बैंकिंग वैंकिंग में तैयारी करवाते हैं ना वैसा, और तुम्हारा पैकेज प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि वो बस पोटेंशियल देखते हैं कैंडिडेट में, ठीक है। अगर वो दिखेगा उनको कि हाँ पोटेंशियल है, तो उनका क्या, वो सोचते हैं कि कोडिंग तो मैं कंपनी में भी सिखा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। उनको पोटेंशियल कैंडिडेट चाहिए बस। कभी कभी तुमसे इंट्रोडक्शन पूछ के भी ना जॉब दे देंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, कहेंगे कि केवल अपना नाम अपने बारे में बतलाओ बस, ऐसा भी होता है। जैसे एक जोक नहीं कहते हैं कि तुम्हारा जिस दिन रहेगा ना अच्छा प्लेसमेंट होने वाला, उस दिन इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारे मामा का नाम क्या है, और अगर मान लो तुम्हारा दिन खराब है ना, तो इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा कि बताओ मेरे मामा का नाम क्या है। तो वही है, ठीक है। अच्छा जिसको क्या जो लीड कोड से या वो नहीं होता कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उस वो आईडिया, तो उसको क्या एडवांटेज रहता है, मतलब बहुत एडवांटेज, बहुत एडवांटेज रहता है। हमने जितना भी प्रोफाइल प्रिपेयर किया ना प्लेसमेंट के लिए, हम लोग सिर्फ लीड कोड पे ही प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक है। अच्छा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसलिए आप लोग सी प्लस। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बस ऐसा होता है कि माहौल बन जाता है वहाँ पे, तुम्हें एक टाइम कंस्ट्रेंट मिल जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा जरूरी है। तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, भले तुम थोड़ा सा टाइम लेकर के कर रहे हो, लेकिन होना चाहिए, जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब से स्टार्ट करते हैं? अभी से कर दो भाई। यदि वो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं साथ में तो जैम प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भी मैं बोलूंगा कि आधा घंटा एक घंटा कहीं से निकाल के थोड़ा थोड़ा करते रहो। क्योंकि अगर मान लो जैम नहीं भी अगर किसी का हो पा रहा है ना, और तुम प्रोग्रामिंग अगर सीख रहे हो, तो तुम ऑफ कैंपस भी कहीं ना कहीं जॉब ले लोगे। मतलब अगर बात सर्वाइवल की ही आ जा रही है कि तुम जैम नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, तुम प्रोग्रामिंग सीखो यार, बहुत जॉब है, ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो अच्छा, फ्लटर सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लो, कोई भी एक स्किल सीख लो अच्छा सा, बहुत जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। पाइथन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा कोई इंस्टीट्यूट यार? तुम YouTube पे सर्च करो ना, बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे। तुम जब भी कोई कोर्स वोर्स का बात होता है ना, तो प्रेम से कॉन्टेक्ट करो इस चीजों में, ठीक है। क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम लोग कहीं से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमें लैंग्वेज का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो प्रेम इन सब चीजों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहता था, उसको हिंदी कोर्सेज चाहिए, अच्छा चाहिए जो समझ में आए। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किसका समझ में आए। कोई जरूरी नहीं कि मैं जहाँ से पढ़ा वो तुम्हें अच्छा ही लगे, मुझे वो चीज अच्छा लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। वो डिपेंड करता है, तुम खुद जाओ एक्सप्लोर करो, 10-12 वीडियो देखो अलग अलग प्ले लिस्ट का, अलग अलग यूट्यूबर का, तुम्हें जिसका समझ में आया तुम उसी को फॉलो करो।
ये समझो कि प्रेम कर लिया तो सब कर लिया। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ बोलिए। हाँ इवेंट के पहले पाइथन का कोर्स किया तो अच्छा रहेगा? हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा भाई, क्यों नहीं रहेगा। ये तो सोने वाली बात आ गई ना, 100% अच्छा रहेगा। जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं वो पाइथन का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जॉब जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा स्टैट्स में बहुत ज्यादा है क्योंकि यह समय और आने वाला समय दोनों ही केवल और केवल स्टैट्स का होने वाला है। स्टैट्स का भी डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन रहे हो ना इन फ्यूचर, तो इसका भी धीरे धीरे उसमें चीजें ऐड ऑन होगी। जैसे पहले कंप्यूटर साइंस था तो कंप्यूटर साइंस का धीरे धीरे प्लेसमेंट इस तरह से नहीं हुआ कि एक्सपोनेंशियल हो गया। बच्चे पूछ रहे थे चैट में कि सर क्या ऐसा पैकेज हमेशा मिलेगा? तो बाबू यदि हम प्रीवियस डेटा की बात कर ले तो जब कंप्यूटर साइंस स्टार्टिंग में आया था तो उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा था, लेकिन 2009-10-11 के बाद ना एकदम क्रेज से बन गया। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए तो करोड़ों का पैकेज जा रहा है। सही हूं ना मैं सुधांशु? यस यस सर। एक आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट है रोहित नेगी नाम है, उसको 2 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज लगा उबर से। यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये ना दिन निकलेगा ना डेटा साइंस का तो इसका भी पैकेज एकदम हाइप होगा, ठीक है ना, बहुत ऊपर तक जाएगा। और ये ना कंप्यूटर साइंस प्लस जो डेटा साइंस की डिग्री लेगा दोनों एक साथ, अब उसका तो कहना ही नहीं, वो तो दुनिया पर राज करेगा पैसे के मामले में। देखो यार ऐसा अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तुम लोग मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और रास्ता कहीं ना कहीं से आप लोग निकाल लोगे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। स्टैट्स मैथ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। हम पहले थ्योरी के बारे में जानते थे, अब एप्लीकेशन पर हम फोकस कर रहे हैं और दुनिया भी एप्लीकेशन की तरफ जा रही है। सुधांशु ने भी एप्लीकेशन ही किया तो आज यहाँ है, दक्ष ने आज एप्लीकेशन ही किया कि यहाँ है, प्रेम हो विशाखा हो तो सब अब एप्लीकेशन की तरफ जा रहा है। तो आप भी एप्लीकेशन की तरफ आइए तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। यदि आपका पीएचडी में इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप पीएचडी भी इस टाइप से कर सकते हैं और इधर पीएचडी का अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगा, आपका जल्दी से पीएचडी हो जाएगा। जैसे संतोष सर का देख लीजिए, संतोष सर ने 2 साल के अंदर 3 से 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। उनका पीएचडी स्टैट्स बैकग्राउंड में हो रहा है, उनका शायद वो नहीं है मीटिंग में तो। और यदि आप मैथ से पीएचडी कर रहे हैं ना तो 4-4 साल 5-5 साल लग जाता है, लेकिन आप उसी का एप्लीकेशन करते हैं तो पीएचडी जल्दी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्टैट्स मैथ से अलग है, लोगों को लगता है कि स्टैट्स मैथ से अलग है, ये बिल्कुल अलग नहीं है। स्टैट्स एक मैथ का ही पार्ट है, जैसे ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, वैसे ही एक तरह का स्टैटिस्टिक्स है। तो आप उसका एप्लीकेशन कीजिए, कैरियर बहुत अच्छा है भैया। जैसे एक बेसिक पाइथन आता है उसको डेटा स्ट्रक्चर और थोड़ा सा एल्गोरिथम आता है ग्राफ वाला थोड़ा सा, और जो नॉर्मल बाइनरी वो सब आता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डेटा का उसको नॉलेज है तो उसको क्या लीटबोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए या जहां पर भी जैसे, या फिर प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए? देखो प्रोजेक्ट तो मेन चीज है, ठीक है, प्रोजेक्ट करना ही करना है। अगर प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो फिर बहुत चीज मुश्किल है, ठीक है। जहां तक बात रहा लीटकोड का प्रॉब्लम्स का, तो तुम अगर कह रहे हो कि डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मुझे ग्राफ आता है और बाइनरी सर्च भी आता है, तो ये चीज तुम कैसे कह पा रहे हो कि मुझे आता है? तुम अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हो तो कैसे पता तुम्हें आता है कि नहीं आता है? बस वही थ्योरी पता है कैसे अप्लाई करते हो, उतना विविड तरीके से नहीं पता है बस। नहीं तो सिर्फ थ्योरी पता होने से नहीं होता है ना, थ्योरी तो हम लोग ऐसे किसी भी चीज का पढ़ सकते हैं। हमें तो थ्योरी फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंपाइलर डिजाइन होता है, सॉरी बीटेक सीएससी में, तो हमें वो भी पता है थ्योरेटिकल कैसे होता है। लेकिन सिर्फ थ्योरी जानने से नहीं होगा ना, जैसा शशि सर कह रहे थे अभी, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तुम उसे इसका यूज कैसे कर रहे हो, ग्राफ का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, बाइनरी सर्च ट्री का क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, ये करना ज्यादा जरूरी है। और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मीटिंग एंड करूंगा, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जब तक आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तब तक चलता रहेगा, क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे तो मैं भी बंद कर दूंगा। सर आईआईटी बॉम्बे का मैक्सिमम प्लेसमेंट कितना गया है? 26 गया है।
देखो एक एक चीज बताता हूँ मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, ये हम लोग के कॉलेज में से बहुत बातें होती हैं, अब इतना ज्यादा मीटिंग चल गया तो बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। जब भी कभी ये पूछते हो ना कि हाईएस्ट कितना गया, लोवेस्ट कितना गया, इससे एक तुम लोग मिथ बना लेते हो मन में कि हाँ इतना पैकेज चला जाता तो चले जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये हर साल डिपेंड करेगा कि कंपनीज की डिमांड कितनी है, ठीक है, कंपनी का मूड क्या है, कंपनी का मूड क्या है, हायरिंग कैसे हो रही है, रिसेशन का दौर है कि नहीं है, कंपनी किस मूड से आ रही है, वो किस कॉलेज में पहले गई है, किस कॉलेज में बाद में जा रही है, तो बहुत सारे चीजों का फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तुम्हारे बैच में कैसे लोग गए हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ मतलब सब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि हाँ अगर इस बार 26 गया तो अगली बार भी किसी ना किसी का 26 चला ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती इस चीज की। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पे, कि अगर तुम फुल प्रिपेयर्ड हो और तुम्हें लगता है कि नहीं तुमने इतनी तैयारी कर ली है कि यू डिजर्व 26 लाख पैकेज और 36 लाख पैकेज, तो तुम्हें वो मिलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वैसी आती रहती हैं। अगर मान लो कि इस बार जैसे मान लो कि 26 हाईएस्ट पैकेज जो भी कंपनी लेके आई है, अगले बार वो नहीं आएगी तो कोई और आ जाएगी, ठीक है। कंपनीज हमेशा कोई ना कोई आते ही रहती है, क्योंकि हर साल अगर कोई एक कंपनी रिसेशन से जा रही है तो कोई दूसरी कंपनी होगी जो बूम कर रही होगी, ठीक है, तो कोई ना कोई आते ही रहती है। तो ये मिथ मत बनाओ कि हाँ अगर इस बार हो गया तो अगली बार भी किसी ना किसी का हो ही जाएगा, हो सकता है अगली बार वो कंपनी कॉलेज में तुम्हारे आए भी ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सब कुछ सब्जेक्टिव है, लेकिन ये चीज की गारंटी रहती है कि प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो रहा है तो मिलेगी इसकी गारंटी है, हाँ, अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो जा रहा है तो वहां से तुम धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही सकते हो, ठीक है। तुम्हें पता नहीं होगा बट इस बार एनआईटी त्रिची में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा मिसमैचिंग के कारण, या बहुत कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग आएंगे कैंपस में प्लेसमेंट लेने, लेकिन वो थोड़ा लेट से आए, तो वो जो लेट उन्होंने किया ना उसके चक्कर में बहुत स्टूडेंट्स डर गए कि पता नहीं हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने जो लोअर बेस की कंपनीज थी जो 8 लाख 8.5 लाख की पैकेज दे रही थी, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी अच्छा कोडिंग कर रखा है, उन्होंने उस कंपनी में अप्लाई किया और जॉब ले लिया, सिर्फ इस डर में कि पता नहीं बाद में वो कंपनी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फ्यूचर खराब हो गया या करियर खराब हो गया कि उन्होंने इतना मेहनत किया बट उनको मिला नहीं, क्योंकि उनके पास स्किल है ना, तो स्किल है तो वो आगे बढ़ जाएंगे, 6 महीने कंपनी में काम करेंगे फिर स्विच कर लेंगे, ये चलते रहता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, यही होता है, ठीक है। तुम्हारा बस एक स्टार्ट होना चाहिए अच्छा, कहीं से भी तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बार अंदर घुस गए उसके बाद फिर कोई लिमिट नहीं है, तुम बस मेहनत करते जाओ तुम आगे बढ़ते जाओगे, ऐसा होता है। सर क्वेश्चन था अगर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्लेसमेंट तो गारंटीड है कि मिल जाएगा, यही इसी बात की तो बस गारंटी है, क्योंकि हर एक कॉलेज इंश्योर करता है ना, जैसे एनआईटी है, अगर एनआईटी त्रिची है वो इंडिया का टॉप मोस्ट एनआईटी है, बहुत सारे आईआईटी से भी बेहतर है, एनआईआरएफ में रैंकिंग उसका 7 या 8 है शायद, तो वो ये चीज इंश्योर करेगा ना कि हमारे यहाँ के बच्चे अनप्लेस ना जाए, क्योंकि उससे उसका भी रेपुटेशन खराब होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है प्लेसमेंट आपका तभी नहीं होगा जब आप ट्राई नहीं करो, ट्राई करोगे तो 100% गारंटी है कि आपका प्लेसमेंट होगा। एग्जैक्टली, मैंने तो इतना तक सुना है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बैच का जो होता है ना प्लेसमेंट वो थर्ड सेमेस्टर में पूरा हो गया और कोई एक दो स्टूडेंट अगर बचा हुआ है तो सिर्फ उस एक या दो स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई कंपनी बुला ली जाती है कि ये क्यों अनप्लेस जाएगा, सिर्फ उनके लिए स्पेशली, जो कंपनी एनआईटी त्रिची कभी आज तक आई नहीं तो उनको भी एचआर के कॉन्टैक्ट करके उनको भी बुला लिया जाता है कि ठीक है आ जाओ हमारे यहाँ स्टूडेंट सभी हैं जिनको आप प्लेसमेंट दे सकते हो, ऐसा तो सिर्फ एक एक स्टूडेंट के लिए कंपनी बुलाई जाती है। मतलब कभी कभी जॉब ऑफर से ज्यादा आ जाते हैं जितने बच्चे बैठे हैं उससे ज्यादा, तो इसलिए प्लेसमेंट्स तो हो नहीं जाता मोस्टली। मतलब तुम एक रफ आइडिया देता हूँ, ऐसा समझो कि एनआईटी त्रिची में जो टोटल बैच स्ट्रेंथ है वो 28 की है, 28 लोगों की, जो कि कभी पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है। अभी करेंटली जब हमने बैच स्टार्ट किया था उस वक्त हमारा बैच स्ट्रेंथ 22 था, और अभी एक साल के बाद या कह लो कि 3 सेमेस्टर बीतने के बाद अभी हमारा बैच स्ट्रेंथ 18 का सिर्फ बचा है, क्योंकि बहुत लोगों ने फिर बीच में भी ड्रॉप आउट लिया, क्यों लिया उनका पर्सनल रीजन था जो भी। 18 लोगों के बैच के लिए अभी तक अगस्त से लेके अभी जनवरी चल रहा है, अभी तक टोटल 60 कंपनी आ चुकी है, ठीक है। और अभी ये सेमेस्टर पूरा जो 4th सेमेस्टर हम लोग का है अगस्त या जुलाई तक कह लो, तब तक कंपनीज आती रहेंगी, तो तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे पास कितना अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट लेने के लिए। सिर्फ 18 लोगों के लिए 60 कंपनीज ओपन हो रही है सिर्फ 6 महीने में। आईआईटी बॉम्बे में दक्ष कितना है? बहुत रहता है, मतलब कुछ लोगों ने तो शायद 75 कंपनीज में भी एप्लीकेशन दिया था, मतलब तो बहुत बहुत कंपनी आती है, तो हो ही जाता है। और मोस्टली जो बहुत तेज तेज रहते हैं वो एक दो फर्स्ट 2 डेज में निकल ही जाते हैं, तो उसके बाद सारी कंपनियां मतलब अच्छा ये रहता है कि चांसेस रहते हैं हो जाता है।
किसी किसी को लगता है कि नहीं मैं तेज नहीं हूँ, मेरा प्लेसमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, पहले तेज वालों को हो जाने दो, आप वेट करो, आपका भी बात जाएगी और आपका। अरे सर मैं एक स्टोरी बताता हूँ, हमारी बैच की एक लड़की है जो हमारी सीआर भी है, एमएससी में कोर्स फीस आईआईटी जैम एमएस से मिलेगा, आईआईटी जैम एमएस पेपर देना होगा, चाहे आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो। मैं ये कह रहा था कि हमारे बैच में एक लड़की थी, रचना नाम था, मुंबई की है, हमारी सीआर भी, तो उसका ऐसा था ना कि चूंकि वो क्लास की सीआर थी तो बहुत ज्यादा चीजें उसको मैनेज करनी पड़ती थी, प्रोफेसर से बात करना, क्लासेस शेड्यूल कराना, इन सब, तो इस वजह से ना वो कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा अपने कोडिंग पार्ट पे काम कर नहीं पाई। लेकिन उसका क्या था कि कॉलेज में आने से पहले वो एक दो साल स्टार्टअप में काम की हुई थी, तो उसको एक बेसिक आइडिया था कि कंप्यूटर वगैरह में काम कैसे करते हैं, ठीक है, लेकिन कोडिंग बहुत ज्यादा वो अच्छा नहीं कर पाई। तो जब हम लोग को प्रेशर किया जाता था, या प्रेशर नहीं कह लीजिए कि बूस्टअप किया जाता था कॉलेज में कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करना चाहिए, उसमें अच्छे पैकेजेस आते हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आती हैं, ठीक है, तो उसका ऐसा था कि वो सोच रही थी कि यार मेरा तैयारी हुआ नहीं है तो मैं इन कंपनीज में अप्लाई नहीं करूंगी। तो गूगल आया, उसने अप्लाई किया, माइक्रोसॉफ्ट आया, उसने अप्लाई किया, स्टार्टिंग के दो तीन कंपनीज में की बड़े बड़े में, जब देखा कि नहीं रिजल्ट आ रहा है तो उसने फिर अप्लाई करना बंद कर दिया, लगातार 6-7 कंपनीज में उसने अप्लाई नहीं किया। एक कंपनी बीच में आ गई, जैसे हमारे वाली जो कंपनी थी AWS, इसका जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसमें कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ बिहेवियरल क्वेश्चन आए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा पछताने लगी कि अरे यार मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया, इसमें कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा ऐसा करके। तो उस दिन हमारी बात हो रही थी तो मैंने उसको बोला कि देख एक अभी कंपनी आई है तुम उसमें अप्लाई करो, ठीक है, उसमें भी हो सकता है शायद टेक्निकल पूछे ना पूछे, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा लक कैसा है, किसमें निकलेगा नहीं निकलेगा। एंड बाय गॉड ग्रेस उसकी जस्ट अगली कंपनी आई जिसमें उसने अप्लाई किया, उसका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, उसमें कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग आ गया उसका, वो गई इंटरव्यू देने, और उसका जितना भी एक्सपीरियंस था ना सीआर का एक्सपीरियंस, इतना वर्कलोड हैंडल करना, स्टार्टअप में काम करना, इसी सब के पॉजिटिविटी के बेसिस पे उसको जॉब लग गया और वो प्लेस हो गई। जो वो सोच रही थी कि मेरा दिसंबर में प्लेसमेंट होगा, उसका सितंबर में ही प्लेसमेंट हो गया, और उसके बाद वो इतनी खुश कह रही है, कह रहे यार मुझे पता ही नहीं था कि इतना करना जरूरी था या ऐसे। तो वही है कि आपको पता नहीं चलेगा कब हो जाएगा आपका, बस आपका है कि बस आप ट्राई करते रहो, ठीक है, कंपनी छोड़ो मत। मैडम सबसे बड़ी होप है, आप होप बनाए रखो। क्या होगा एमएससी में एनआईटी में, क्या कह रहे हो? कोर्स फी अरे यार ये सब चीजें तुम इंटरनेट पे जाके देख लो ना, उसके वेबसाइट पे जाओ, वहां पे पूरा फी स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है, डाउनलोड करके देख लो, हर एक सेमेस्टर में किसका कितना पैसा लगेगा सब बताया हुआ रहता है। मतलब अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो मिला जुला के ऑन एन एवरेज 2 साल का 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास चला जाता है, 2.5 से 3 लाख रुपए 2 साल का। मत करो, आपको लोन इजीली मिल जाएगा वहाँ। हाँ, एनआईटी त्रिची में खुद का अपना एसबीआई का बैंक है, ठीक है, तुम बस एडमिशन के स्टार्टिंग टाइम पे जो भी मतलब काउंसलिंग वगैरह में पैसा लगता है और फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है बस उतना ही तुमको मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद तुम कॉलेज पहुंच जाओगे तो फिर वहाँ पे लोन लेना बहुत आसान है क्योंकि कॉलेज का अंदर ही बैंक है और वो इसी सब चीजों के लिए रहता ही है, तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद लोन लेके पढ़ रहा हूँ अभी। वो तो एक साल एक महीने में छुपता हो जाएगा। अरे सर और किसी एनआईटी टीचिंग के लिए कितना रैंक चाहिए मिनिमम? देखो चीजें रिलेटिव होती है बाबू, ठीक है ना, हो सकता है कि इस बार क्लोजिंग रैंक पहले हो जाए, हो सकता है कि जिनका जैम में बेहतर रैंक आए वो एनआईटी तिरछी प्रेफर करे, तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे इन जनरल बोलना थोड़ा टफ काम है, ठीक है ना। हाँ, आप अपने तरफ से बेहतर करो, मैं यही कहूंगा, आप 35 मार्क्स प्लस कीजिए, आप सिक्योर है सर, 40 तक हो जाएगा सर। हाँ 40 तक तो ज्यादा, हाँ हो जाएगा, आप 35 प्लस करो हो जाएगा भैया। हाँ हाँ, जैसे आप बोले कि गूगल या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट ये सब आता है, तो ये सब मतलब एलिजिबिलिटी चेक करता है कि एमएससी वाला एलिजिबल है या एमसीए वाला या फिर सिर्फ बीटेक के लिए। देखो ऐसा होता है कि कंपनी आई, कोई भी कंपनी, ठीक है, तो वो किस कोर्स को अलाउ करेगी, ये सब डिपेंड करता है प्लेसमेंट का जो सेल होता है ना हमारा, वो कैसे डील करें एचआर से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर कॉलेज का अपना एक प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर एक डिपार्टमेंट हर एक बैच का, तो बहुत ये इंटरनल चीज़ है, ऐसा होता है कि वो अगर कन्विंस कर पाए कि हाँ हमारे बैच को अलाउ कर देते हैं, अगर नहीं कर पाए तो कभी कभी नहीं भी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि सिर्फ ये मत सोचो कि हाँ इसका इतना पैकेज लग गया तो मेरा भी शायद अगली बार लग ही जाएगा, हो सकता है अगली बार वो कंपनी इस बैच को अलाउ भी ना करे प्लेसमेंट सीजन के लिए, अगली बार कौन सा एचआर डील करने आ रहा है उसको हो सकता है प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे सिर्फ बीटेक का ही स्टूडेंट चाहिए, उसका अगर प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे सिर्फ एमएससी का ही चाहिए, तो ऐसे तुम फिक्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, तो हर बार रिलेटिव रहेगा। तो अगर कोई भी कंपनी आ रही है और अगर तुम्हारा पीआर
जो भी प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव है कॉलेज का, अगर वो अलाउ करवा पाया तो हाँ अपॉर्चुनिटीज ओपन रहती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने ये देखा एनआईटी त्रिची में कि कोई भी अगर कंपनी आ रही है जो स्पेशली अगर कंप्यूटर साइंस डोमेन की है तो एमएससी के लिए अलाउड रहता है। वो गिनी चुनी एक दो कंपनी होती है जो बिल्कुल भी एमएससी को प्रेफरेंस नहीं देती। और जहाँ तक बात है बड़ी कंपनीज की, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का कह रहे हो, तो इन कंपनीज का तो ऐसा रहता है कि एचआर को पहले से ही बोला रहता है कि आप इस बैच को प्रेफरेंस दो या मत दो, लेकिन आपको टेस्ट सबको देने के लिए अलाउ करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे कुछ सीख पाए। क्योंकि तुम अगर बड़ी कंपनीज का ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना तो उससे भी बहुत आइडिया लगता है, जिससे छोटी कंपनीज को क्रैक करना आसान रहता है। तो एलिजिबिलिटी सबकी रहती है, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो तुम फोड़ दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? ये पोटेंशियल की बात करें सर, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा इसमें प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है। हम लोग जब स्टार्टिंग में एनआईटी त्रिची जाने वाले थे तो ऐसा था कि हमें पता था कि चलो 8 लाख का तो पैकेज लग जाए, क्योंकि एक दो सीनियर थे साइंस कॉलेज के, तो उनसे बात हो रहा था तो उनका जितना गया था बैच का उसके हिसाब से वो कह रहे थे कि हाँ 10-12 आराम से तुमको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब एनआईटी त्रिची पहुंचे एक्चुअल कॉलेज में तब हमें पता चला कि अच्छा ये सब भी सीन है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ गई कि चलो इतना तो ट्राई कर सकते हैं। तब हम लोग 15-16 ऐसे देख रहे थे। कंपनी आई तो ठीक है ना, मेन सुधांशु माहौल डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में है और किस प्लेस पर। एग्जैक्टली यदि हर बंदे का 20 लाख पैकेज आ रहा है ना, भले आपकी काबिलियत नहीं है, आप भी 20 का ही सपना देखोगे और देखोगे तो हर पूरा होता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। आईआईटी एनआईटी या कहीं से भी आप स्टाइल से अच्छे से एमएससी कर रहे हैं ना, तो आप वो चीज इजिली अचीव कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत मेहनत की जरूरत होती है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि जो मेरा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं थे, बिहेवियरल था। तो हमें लग रहा था यार कि इतना पैसा दे रहा है, कुछ टेक्निकल पूछ भी नहीं रहा है, तो हमने सीरियस लिया ही नहीं इस कंपनी को, लाया कि यार पता नहीं मजाक कर रहा है, हमने ऐसे ही टेस्ट दे करके बंद कर दिया। बाद में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग नाम आ गया, हमें लगा कि अब इंटरव्यू भी लगा तो इंटरव्यू तो अच्छे से देना ही है किसी भी कंपनी का। अब भाई लक ऐसा दिया, हो गया, क्या ही कर सकते हैं। यही होता है बेस्ट प्लेस पर, तो यही तो होता है, लक भी साथ देता है। हमारे बैच का ये बहुत अच्छा बात रहा ना कि जितने भी लोगों का प्लेसमेंट हुआ है उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब 5-6 तो आराम से, जिन्होंने अपना पहला ही जॉब इंटरव्यू क्रैक किया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात रही हमारे इस बार के बैच की। और किसी को कुछ पूछना है? भैया मेरा पीएससी मैथ स्टैटिक कंप्यूटर साइंस है और मैं अभी करेंटली 3rd सेमेस्टर में हूँ। मेरे कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कराते हैं और मैं अभी जैम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2024 के लिए, तो क्या मैं प्रोजेक्ट्स किसी पे देखूँ कि प्रोजेक्ट्स के लिए? देखो तुम अभी से अगर प्रोजेक्ट करते रहोगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा बेटर आइडिया रहेगा कि कॉलेज में कैसा प्रोजेक्ट करना होता है। बाकी जैसे तुम कह रहे हो कि कॉलेज वाले प्रोजेक्ट नहीं कराते, भाई कॉलेज कहीं प्रोजेक्ट नहीं कराता, प्रोजेक्ट तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बस ये होगा कि कॉलेज अच्छे कॉलेज में रहोगे, एनआईटी आईआईटी में रहोगे तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल सकता है प्रोफेसर से, वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं कि हाँ तुम ये इन चीज में प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन करना तो तुम्हें खुद से ही पड़ेगा। तो भैया प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करें, कुछ मतलब कि कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट देखो कि तुम्हारा किस डोमेन में है, ठीक है। उस डोमेन में देखो कि हॉट टॉपिक्स किन चीजों के ऊपर रिसर्च हो रहा है, किन चीजों के ऊपर काम हो रहा है, और उससे रिगार्डिंग और यूट्यूबर्स जो है तुम गूगल कर लो कि हाँ प्रोजेक्ट इन दिस डोमेन, प्रोजेक्ट इन दैट डोमेन, तो तुम्हें दिखेगा किस तरह के प्रोजेक्ट पब्लिकली पोस्टेड है, जो लोगों के लिए पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। ओपन सोर्स बेसिकली कहते हैं इसको, ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट है उनको देखो, उसे एक बेसिक आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना होता है, कैसा प्रोजेक्ट होता है, और उसका इंस्पिरेशन लेते हुए खुद का कुछ एक प्रोजेक्ट करो, ठीक है। वो किसी भी टॉपिक का या सब्जेक्ट रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं है, अगर मान लो जैसे तुम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो तुम्हारा मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारी चीजें। मशीन लर्निंग में भी बहुत सी चीजें हैं, डीप लर्निंग है, इमेज क्लासिफिकेशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है, जेंडर रिकॉग्निशन है, प्राइस प्रेडिक्शन है, बहुत कुछ है यार। मतलब तुम एक बार अगर खोजने लगोगे ना, इतना सारा चीज है, तुम समझ लो कि हर साल मतलब एमसीए का जो बैच है एनआईटी त्रिची का 120 लोगों का बैच है, ठीक है। हर साल 120 स्टूडेंट आते हैं एमसीए करने, और हर एक स्टूडेंट को एक अच्छा और यूनिक प्रोजेक्ट करना होता है, तो हर साल उतना प्रोजेक्ट हो रहा है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुमको प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं ढंग का? भाई मिल जाएगा यार, आराम से ढूंढो तो सही। ठीक ठीक, बस आप इंटरेस्ट दिखलाओ। ठीक है, थैंक यू भैया। भैया जो आप बोले थे वो कैटल वाला जो प्रोजेक्ट जो आप देखे वो आईआईटी रोपड़ में, तो मेरा का जो बोल रहे थे ना कि वो लोग कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तो हम मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो उस पे हम आगे, वो कॉग्निटिव साइंस रिलेटेड था क्या?
नहीं, वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड था, ठीक है, मशीन लर्निंग और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, उस चीज का कॉम्बिनेशन था वो, ठीक है, उसके ऊपर काम हो रहा था। मेरा इंटरेस्ट ऐसे नहीं आया था कि मैंने देखा था, मुझे बस ऐसा था कि मुझे इंटर्नशिप करना था कहीं से, कि 2 महीने में खाली नहीं बैठ सकता, तो मैं अपॉर्चुनिटीज की तलाश में था, मुझे मिला IIT रोपड़ का, मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया। तो ऐसे इंटर्नशिप के लिए देता होगा कि ये कॉमन वेबसाइट है जो ये बताता, IIT रोपड़ का खुद का इंटर्नशिप का एक वेबसाइट है, तुम सर्च करना IIT रोपड़ इंटर्नशिप करके, तुम्हें वेबसाइट मिल जाएगा। IIT मद्रास का भी है, ठीक है, वैसे बहुत से IITs हैं जो इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं फेलोशिप के लिए, जो PhD कराते हैं उनके स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाता है और तुम्हें काम करने का मौका भी मिल जाएगा। इवन कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से लोग वहाँ पे आते हैं। जो इंटर्नशिप मैं कर रहा था ना, उसके बाद मैंने जो अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया था जिस स्टूडेंट को, वो बिट्स पिलानी का था, ठीक है, बिट्स पिलानी बहुत ही महंगा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ का स्टूडेंट आया था उस प्रोफेसर के अंडर PhD मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए, तो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तुम ऐसा करके सर्च करो ऑनलाइन कि कौन कौन से IIT कॉलेजेस का मिल सकता है, या फिर इसके अलावा तुम बहुत सारे ऐसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं ना, जहाँ पे कंटिन्यूअसली इसकी पोस्टिंग होती रहती है। एक जहाँ से मुझे पता चला था वो एक opportunity.sale करके एक वेबसाइट है, तुम पता करना, उस पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तुम उनमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कंटिन्यूअसली हर दिन का 5-6 इंटर्नशिप का या कोई ऑफ कैंपस जॉब प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन आते रहता है, तुम देखो उस पे जाओ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। थोड़ा सा समय बिताना पड़ता है, इंटरनेट पे सर्फिंग करना पड़ता है, एक लैपटॉप रखो खुद के पास, सर्फ करो, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, अप्लाई करो, देखो क्या आता है, नहीं अप्लाई करने के बाद अगर नहीं आ पा रहा सिलेक्शन, मेल भेजो उनको पर्सनली, पूछो कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से। और कोई कुछ सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर जैम के थ्रू ना हुआ, हम CUET के थ्रू अगर BHG या DU में एडमिशन लें MSc के लिए, तो सर हमारा आगे के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? मैं आपको बतला दूं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स BHU में और उन सबका प्लेसमेंट हो गया है, मैंने 2 का हो गया और एक आध दो बच्चे और बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनका भी एक वेबिनार होगा जैम एग्जाम के बाद, क्योंकि जैम एग्जाम के बाद सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिस अपॉर्चुनिटी है, आप स्टैश से MSc की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, अपॉर्चुनिटी है, आप ना देखिए उससे ना जो जो भी कंपनी को स्किल चाहिए, जैसे सुधांशु बोल रहे हैं कि आपको कोडिंग वगैरह पर कमांड होनी चाहिए, तो आपकी प्लेसमेंट होगी, बस वो ना कॉलेज देखना कि कंपनी को बुला रही है कि नहीं, यदि कंपनी आ रही है तो आपका प्लेसमेंट 100% गारंटी की होगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? सर हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सुधांशु भैया को है ना 12 तारीख की बात भी लेके आना। भाई कितना सुनोगे? चलो ठीक है। सर उसके तो, उस टाइम जैसे ऐसा है, अभी अभी सीन ऐसा है, ठीक है, अभी मैं वेकेशन पे हूँ, ठीक है, 18 तारीख से हमारा कॉलेज खुल रहा है वापस से, और हमें एक मेजर प्रोजेक्ट करना है 4th सेमेस्टर में, बट मैं 18 को कॉलेज जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं भी हूँ बिहार में, ठीक है, अपने गांव पे, और घर में है शादी 31 तारीख को, और मुझे अगर मैं कॉलेज गया तो फिर ये अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कॉलेज पहुंचूंगा ही 7 या 8 फरवरी को, तो मेरा ऑलरेडी सेमेस्टर लेट चल रहा होगा, और मेरा 21 तारीख को ही पहला प्रोजेक्ट का मतलब मेजर जो प्रोजेक्ट है उसका इवैल्यूएशन है। तुम सोचो कि मुझे 15 दिन के अंदर में 1 महीने का काम करके सबमिट करना और उस पर वाइवा भी देना है, तो सोचो उस मोमेंट में कैसे मैनेज करूंगा। तो रहता है प्रेशर, रहता है, ठीक है, लेकिन हो जाता है, हैंडल करना सीख जाओगे तुम IITs में आओगे ना। शशि सर तुम लोग क्लास में हमेशा कहते रहते होंगे, हम लोग भी बहुत कहते थे कि IIT जाने का जो पहला सेमेस्टर निकाल लिया ना वो कर लेगा, तो यही कहते थे सर, ये बात तो है, हम लोगों ने फील किया ये चीज। देखो यहाँ आए हो ना तो कुछ बेहतर ही करके जाओगे, इसके गारंटी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास संतोष सर के पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस, हमने अच्छा, मैंने काफी स्ट्रगल किया है लाइफ में बच्चों को गाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को जानने में, गूगल करने में, झेले हम काफी गालियां भी सुने हैं, ठीक है ना, ये सब बतलाने के चक्कर में, तो हमने काफी स्ट्रगल किया और उसी स्ट्रगल का आज फल है कि हमारे स्टूडेंट्स काफी बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने केवल रास्ता दिखलाया, ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया इनके लिए, हमने केवल एक लाइन दिखलाया कि बाबू इस पर चलो प्लेसमेंट होगा, जॉब है, और उन्होंने उस चीज को प्रूव किया और हमारी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा किया, ठीक है ना। हमने इतना का एक्सपेक्टेशन नहीं था, अभी भी बोल रहा हूँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, जिनका भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यदि सुधांशु देखो, हाँ ठीक है ना, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था सर कि जैसे अभी होने के लिए तो प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, बट एक टाइम अभी बीच में ऐसा भी था NIT में सेकंड सेमेस्टर के बाद
कि मैं सोच रहा था कि पीएचडी कर लेता हूँ गेट के प्रिपरेशन के लिए। मैं संतोष सर से एक दिन बात कर रहा था कि सर क्या क्या देख सकते हैं पीएचडी के लिए, गेट स्टैटिस्टिक्स से कहाँ कहाँ होता है। तो सर ने बस गाइडेंस दिया, ठीक है थोड़ा सा, कि तुम वेबसाइट वगैरह पे जाके चेक कर सकते हो। कुछ बताया उन्होंने अपने तरफ से भी कि हाँ आईआईटीज है जो कोर्सेज ऑफर कर रही होती हैं, आईआईटी खड़गपुर के बारे में थोड़ा बहुत बताया डिपार्टमेंट का। तो उस दिन बात करने से ये पता चला ना कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो उसके लिए थोड़ा सा हासिल तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है हमारा खुद का घर का प्रॉब्लम है, कॉलेज का है, और इस बीच में अगर मान लो तुम कोई एक क्वेरी लेकर के आते हो तो वो क्वेश्चन से जितना दूर तक अभी मेरा दिमाग सोच पा रहा है वहां तक मैं सोच पाऊंगा, उसके आगे की चीजें भी हो सकता है मुझे पता हो लेकिन उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तो ये दिक्कत आता है कभी कभी कि पूरी चीजें नहीं बता पाता है। अब अगर मान लो कि तुम खुद से हासिल कर रहे हो तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब जैसे उस दिन संतोष भैया ने बताया कि हाँ तुम ऐसे ऐसे करके सर्च वगैरह कर सकते हो, उस दिन से मैं गया और कम से कम 15 या 20 दिन कह लो कि मैंने लगाए और मेरे पास मतलब पूरा चिट्ठा पुर्जा था कि मैं पीएचडी कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ, कौन कौन से कॉलेज से कर सकता हूँ, किस पर्टिकुलर फील्ड में कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा बस तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। इंटरनेट बहुत खूबसूरत चीज़ है बाबू, ठीक है थोड़ा सा सर्फिंग करोगे ना बहुत चीजें पता चलती हैं अच्छी अच्छी। आप एक ढूंढोगे 10 मिलेगा। हाँ बस फिल्टर आउट करने आना चाहिए चीजों को, बस इतना ही है। और किसी को कुछ पूछना है क्योंकि रात हो रही है, जल्दी करो आप सब। भैया इंटरव्यूज के लिए मार्क्स मैटर करते हैं क्या? हाँ ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, इंटरव्यू के लिए मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा यूजी पीजी में अगर मान लो कि जो सॉरी मतलब यूजी 10th 12th में अगर मार्क्स थोड़े से बहुत अगर कम है तो हो सकता है कि इनिशियली जो बड़ी कंपनीज आती हैं जैसा कि मैंने बताया तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग तरीके से रहता है। बहुत कंपनीज ऐसी भी है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं भी रखती है, जैसे गूगल आई थी हमारे टाइम पे तो उन्होंने बोला कि सब अलाउड है, किसी का कितना भी सीजीपीए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कोई कंपनी आएगी वो बोलेगी 10th में मेरे को इतना नंबर चाहिए, 12th में इतना चाहिए, यूजी में इससे कम रहेगा तो अलाउ नहीं करेंगे। इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये कभी रुकावट नहीं बनेगा तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए, हो जाएगा। बस तुम जैसा चाहते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो जाए। जैसे प्रेम का क्या सीन है, प्रेम के साथ दिक्कत ये था कि उसका यूजी में 60% नंबर भी नहीं है तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं जितनी हमें मिली थी मतलब कॉलेज में। तो अगर मान के चलो कि जैसा मैंने बताया ना कि लगभग 60 कंपनीज आई हैं तो 60 में से मान के चलो कि उसने 20 कंपनी में तो अप्लाई किया ही नहीं, उसने सिर्फ 40 में किया ऐसा। तो अपॉर्चुनिटीज फिर भी ठीक ठाक मिलेंगी बट इसका फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ता है। बहुत बार लोग बहुत बार लोग हताश हो जाते हैं, ऐसे प्रेम कहता था यार मेरे लिए कंपनी कब आएगी, आ रही है कंपनी, लोग अप्लाई कर रहे हैं, प्रेम बेचारा अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो ये होता है थोड़ा सा, लेकिन इससे कभी भी ये नहीं होगा कि तुम अनप्लेस चले जाओगे, प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा, इसका गारंटी है हमेशा से। और किसी को कुछ पूछना है? पीजी में यूजुअली हम लोग को ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि 8 सीजीपीए के आसपास अगर रखोगे तो सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर भी बीच में कंपनी आई थी जो कह रही थी कि हमको 8.5 से ऊपर चाहिए, उससे नीचे का स्टूडेंट हम लोग रेकमेंड ही नहीं करेंगे। अरे यार क्या दिक्कत है, कंपनी बहुत आती है, खास बात मैं बतला दूं, आपका 5.5 सीपीआई भी है ना फिर भी आपका प्लेसमेंट होगा। खूबसूरत बात है, बीटेक में नहीं होगा लेकिन स्टैट से जो एमएससी कर रहा है उसका होगा। मैथमेटिक्स का टॉपर और स्टैट का लोअर बराबर है। एक दिन क्या हुआ सर कि एक स्टूडेंट है हमारे बैच में ही, वो गया अपने प्रोफेसर से बात करने के लिए और पहले ही सोच रहा था कि जाके प्रोफेसर को बोलूंगा कि सर मैं स्टैट्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कोडिंग वगैरह बहुत अच्छे से नहीं आता तो कोई इजी सा ही प्रोजेक्ट दो करने के लिए, ठीक है। वो गया प्रोफेसर के पास जाके कहता सर मैं स्टैट्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आता। तो कह रहे हैं अरे कोडिंग मुझे भी नहीं आता, स्टैट्स वाले ही चाहिए थे, इसीलिए तो स्टैट्स वालों से एडमिशन ले रहे हैं हम लोग। फिर बोल रहे हैं कि स्टैट्स वाले जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्या है ये तो लैंग्वेज है, ये तो तुम्हारे लिए कोई भी कोड कर देगा, तुमको लॉजिक पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्टैट्स का नॉलेज है तो वो ज्यादा बेहतर है रादर कि किसी के पास कोडिंग का नॉलेज है। तो मेरे साथ भी कृष्ण यही बोला, मुझे कोडिंग नहीं आती थी, तो वो कहे कि देखो हमें तुम्हें कोडिंग की एक्सपेक्टेड उम्मीद नहीं है, आप केवल बतलाओ कि हमें करना क्या है, हम उसको कोड में लिख देंगे आपको रिटेन। क्योंकि कंप्यूटर को इंसान नहीं बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, तो हम जो बोलेंगे कंप्यूटर वही करेगा। तो आप बतलाओ कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे, क्या एल्गोरिथम्स आ रहे, क्या सीक्वेंस आ रहा है, आप उसको पेज पर लिखिए और हमें दीजिए, हम उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा काम है। तो बस आपके पास स्किल्स होना चाहिए चीजों को सोचने के लिए। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, सारी कंपनीज यही ढूंढती हैं। यदि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और आपके पास कोडिंग का 1% नॉलेज नहीं है फिर भी आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। और किसी को कुछ पूछना है?
मेरी क्वेश्चन थी आईआईटी बॉम्बे में जो है कोर्स ना अपॉर्चुनिटी का है कि उसका अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी पूछ रहे हैं तो प्लेसमेंट अच्छा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी दिक्कत ये है कि उसमें एक सेमेस्टर में 6-6 कोर्स होते हैं, तो ये थोड़ा हैंडल करना बच्चों के लिए टफ होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं कर पाता है, कोई किया तो ही उनका प्लेसमेंट हुआ है और वो डिग्री ले रहे हैं। तो लेकिन काफी बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, यदि आप डटे हो फर्स्ट सेमेस्टर निकाल लिए तो सब कुछ निकल जाता है और प्लेसमेंट भी काफी अच्छा होता है। और वो मेन स्टेट बैकग्राउंड से अलग है क्या? क्या सॉरी, आप बोलो कि वो स्टेट बैकग्राउंड से थोड़ा अलग है क्या? हाँ, वो थोड़ा अलग है, उसमें ना सब कुछ मिक्स है, ठीक है ना। स्टैट्स भी है, मैथ भी है, ऑप्टिमाइजेशन भी है, मशीन लर्निंग भी है, यानी वो ना सबका मिक्सचर है और वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है ना सर। सिर्फ वो कितने साल का कोर्स है? हाँ सॉरी, कितने साल का कोर्स है वो? वो 2 साल का ही है, एमएससी है ना, मास्टर्स है ना, 2 साल का ही है। इंटीग्रेटेड पीएचडी मेंशन था हमारी वेबसाइट पर ना? मीन्स आपका मन है, यदि मन है तो आप पीएचडी कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, एमएससी की डिग्री ले लीजिए और प्लेसमेंट ले लीजिए। ऐसा ठीक है, ठीक सर। जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो ड्यूअल डिग्री में, उसमें सर मतलब कि वो पीएचडी के लिए प्रिपेयर कराते हैं फिर बेसिकली प्लेसमेंट? नहीं, वो ना मास्टर्स के लिए होता है। ये क्या होता है ना कि वो कहने के लिए होता है, ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं होता है, वो सभी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटेड हो ना हो वो सभी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा ना तो वो ऑप्शन सबके लिए होता है, आप जाइए और पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका डायरेक्ट होगा, जो प्रोसेस बाहर वाले के लिए वही सेम प्रोसेस आपके लिए भी है। आईआईटी बॉम्बे में जो इंटीग्रेटेड है ना, जो प्रोसेस बाहर के बच्चों के लिए वही सेम प्रोसेस अंदर वाले बच्चों के लिए भी है। अंतर केवल इतना हो जाता है कि आप जो है ना मास्टर्स करके देखो, दोनों में केवल डिफरेंस इतना है ना कि यदि आप सपोज दैट आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रहे हैं और एक बंदा आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहा, तो जो जनवरी का फॉर्म आएगा ना वो आईआईटी बॉम्बे का लड़का अप्लाई कर देगा, लेकिन आईआईटी दिल्ली का अप्लाई नहीं करेगा। वो तब तक अप्लाई नहीं करेगा जब तक उसके पास डिग्री ना आ जाए। तो थोड़ा 6 महीने का अंतर होता है बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को वो पीएचडी कराते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीपीआई 7.5 से ज्यादा होना चाहिए। मीन्स हर आईआईटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, ये मैं आईआईटी बॉम्बे का बतला रहा हूँ। प्लस उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपको क्लियर करना है। तो वो उस एंट्रेंस एग्जाम में बाहर के भी बच्चे बैठेंगे और अंदर वाले भी बैठेंगे, यानी जो इंटरनल कॉलेज से है, जो उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेगा उसका अब इंटरव्यू होगा। तब ऐसा नहीं कि आपको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा, यानी सबको एक समान रखा जाता है। बस आपको केवल 6 महीना का क्रेडिट मिल जाता है यदि आप पहले से निकाल लेते हैं, लेकिन आपका पीएचडी स्टार्ट होगा वही जून जुलाई में, यानी आपको पहले से ही श्योर कर दिया गया कि आपका पीएचडी में हो गया है, अब आप निश्चिंत हो जाए, यानी आपको 6 महीना निश्चिंत रहने का एक फैसिलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाकी कुछ भी नहीं। आईआईटी बॉम्बे में सर एक कोर्स है एमएस बाय रिसर्च बाय जो मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में, सर उसका क्या कुछ सीन है सर, थोड़ा बताओगे? उसका मुझे आईडिया नहीं, आपने कहां से सर्च किया है? सर ये गेट के थ्रू होता है सर वहां पे ना, तो अभी इसका मुझे आईडिया नहीं है, ये आप खुद से थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ मुझे आईआईटी से इंटीग्रेट कोर्स में केवल मास्टर्स करने के बाद डिग्री लेकर बाहर निकल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, प्लेसमेंट सेल में बैठ करके, यानी कंपनी जाएगी तो आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं करेगा तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं आपको जबरदस्ती पीएचडी नहीं कराएगा, और आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि हर किसी को पीएचडी कराएगा, उसमें भी चीजों को फिल्टर किया जाता है। जैसे ओआर में हर साल 15 जाते, लेकिन 15 को पीएचडी नहीं मिलता है, मुश्किल से 8-10 पीएचडी में कन्वर्ट हो पाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। तो बाकी कहाँ जाते हैं? तो बाकी का अच्छे खासे पैकेज से प्लेसमेंट हो जाता है। यदि आपके पास दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल पीएचडी लेकर के चले, क्या पता आगे पीएचडी करने का मन ना हो तो आप घर आओगे डिग्री लेकर के,
जैसे हमने किया, तो यह नहीं होना चाहिए। आपके पास स्किल्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप प्लेसमेंट ले सकते हो। मन है तो लो, नहीं तो मत लो। वो आपको जबरदस्ती तो बुला नहीं रहा, आप इंटरव्यू में बैठिए, यानी वीटो पावर अपने पास रखिए। मन है तो जॉब लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पीएचडी करने जाइए। अब मान लीजिए कि आपने जॉब लिया ही नहीं, आपके अंदर स्किल ही नहीं है, तो एक तो रास्ता आपने खुद ही बंद कर दिया ना, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता बचा है पीएचडी के लिए। हुआ तो हुआ, नहीं तो जय सिया राम। इस बेटर की अपने लिए रास्ते खुला रखो हर तरफ से, मल्टी अपना एक मल्टी डायरेक्शनल बनाओ। किसी भी आप डायरेक्शन में कहीं भी आपको जरूरत है तो आप वहां जा सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एंट्रेंस के बाद हमको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? एंट्रेंस के बाद आप कोडिंग पार्ट पर ज्यादा फोकस करो। ओके सर। एक सर आईएसआई का जो टेस्ट है वो अलग होता है या इसमें जैम के थ्रू ही होता है एडमिशन आईएसआई में? आईएसआई का अलग से, आईएसआई में तीन क्राइटेरिया, ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर सब्जेक्टिव होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और आईएसआई का कोर्स का प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, ठीक है ना, यानी वैसे वहां के काफी कम बच्चे प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, सबके सब पीएचडी के लिए जाते हैं, और वहां से फॉरेन से पीएचडी करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। आईएसआई का सबसे प्लस पॉइंट यही है सर। आईएसआई रिकमेंडेशन में फायदा होता है क्या उसमें? रिकमेंडेशन प्रोफेसर अच्छे कर देते हैं ऐसा कुछ? आईएसआई इकलौता ऐसा कॉलेज है जहां आप दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहां से पढ़े हुए बंदे जरूर मिलेंगे, और हर डिपार्टमेंट में एक आईएसआई से पढ़ा हुआ वहां प्रोफेसर जरूर होगा। ये एक आईएसआई का प्लस पॉइंट है, उसका चेन बहुत दूर दूर तक फैला है। तो उसका एग्जाम कब होता है? उसका एग्जाम भी अप्रैल मई के आसपास होता है, मई के आसपास होता है। सर सिलेबस सेम ही होता है इसका क्या? सर आईएसआई का जो पेपर होता है उसका सिलेबस सेम ही होता है जैम के? नहीं नहीं, थोड़ा वो जैम से डिफरेंट होता है, लेकिन यदि आप जैम में 20 के अंदर रैंक लाने की काबिलियत रखते हैं तो आपसे आईएसआई इजीली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसका कट ऑफ ही 50-52% होता है और 75% जैम वाले पोर्शन से आता है। आप वही करके आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक होता कि नहीं 70% लाना है, कट ऑफ 70% ज्यादा, तब हमारे लिए ना चैलेंजिंग है। लेकिन हम 70% को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 70 मार्क्स को हम 50 में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो आसान है। हमारे पास छोड़ 20 मार्क्स है, तब जाए में बेहतर कीजिए, आईएसआई निकल जाएगा। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है वेबसीता है, उसको मैंने केवल यही बोला था कि आप केवल जाए में अच्छे से कर लियो ना तो उसका आईएसआई निकल, मीन्स आपका आईएसआई क्रैक हो जाएगा, सच में हो गया। तो मेन चीज है कॉन्फिडेंस और आपका माइंड सेट। आपका दिमाग कह रहा है कि होगा तो मीन्स होगा, आपका दिमाग कह रहा है नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही हार चुके हो ना। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक मेरा क्वेश्चन था, नेट जेआरएफ एग्जाम या आईआईटी जेएम में कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें? क्या क्या, सॉरी फिर से पूछिए। सर नेट जेआरएफ एग्जाम हो या जेएम का एग्जाम हो, उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस क्या करें कि जिससे बढ़े? यार कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जब चीजें आपको बेसिक से आ रही है ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा। आपका देखिए जरूरी है कि आप 100% पढ़ो तो ही आप बेहतर हो। आप 50% भी जान रहे लेकिन आप उसको बेहतर से जान रहे तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो मेन चीजों को बेसिक्स को पकड़ो, बच्चे बेसिक्स नहीं पढ़ते, इसलिए मैं बेसिक्स से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मिस किया हूँ। मैं इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, इनइक्वालिटी कौन पढ़ाता है जेएम लेवल पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कौन पढ़ाता है जीरो लेवल से? फिर भी मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है ना, मुझे पता है कि आपको क्या दिक्कत आने वाली। तो मेन चीज आपका बेसिक, यदि आपका बेस अच्छा है और आपका दिमाग करे कि सब कुछ अच्छा है, मीन सब कुछ अच्छा है। जब आपका दिमाग कर रहा है सब कुछ पढ़ते हुए कि कुछ अच्छा नहीं है तो मीन्स आपके लिए कुछ अच्छा नहीं, तो सब माइंड गेम है। आप पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको 100% करना है, आपको 30% करना है ना, आप अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए। आप जैम में यदि 50 मार्क्स सोच रहे और उसके चलते कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो आप उसको 40 कर दीजिए, क्या दिक्कत है? 40 पर तो कॉलेज मिल रहा है ना आपको, 40 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल रहा है ना, तो कम कर दीजिए, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहिए तो कॉन्फिडेंस आ गया। 40 लाने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 35 मार्क्स कर दीजिए, मीन्स कॉन्फिडेंस में रहिएगा तो यही फ्यूचर में 35 मार्क्स 45 में कन्वर्ट हो जाएगा, 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तब इस तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, यानी अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कीजिए।
अभी आपके 90 प्रिपरेशन है, जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो उसको 70 कर दीजिए, और नजदीक एग्जाम आएगा तो आपका और कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो उसको 60 कर दीजिए। यानी आप स्टार्टिंग में इतना मेहनत कर दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन भी हो तो आप उसको ला करके 40 मार्क्स पर 40% पर रोक सको। क्लियर है? जो स्टेट बैकग्राउंड से है ठीक है, उनका डीयू और बीएचयू ऐसे को ऐसे प्लेस से स्टेट पढ़ना अच्छा रहेगा और एनआईटी टीचिंग से कंप्यूटर साइंस पढ़ना अच्छा रहेगा। मींस अभी आप जैम की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तो अभी अच्छे से आप जैम दो ठीक है ना, उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे। आप तो ग्रुप में हो ना? हाँ, तो बस आपके जैम पर फोकस करो, आप कैरियर की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो ठीक है ना। ठीक है ठीक है, और कुछ और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली सुधांशु, दक्ष, विशाखा और प्रेम को कि उन लोगों ने आपके प्रॉब्लम को, आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया, और आप लोगों को भी कि आपने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। बच्चे हिम्मत नहीं दिखला पाते, आपने दिखलाया और यही आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, यानी आप पहले स्टेज को एक तरह से पार कर रहे हो ठीक है ना। तो केवल सुनना ही नहीं है, बोलना भी है, केवल सुनने से आपके लाइफ के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, बोलने से खुलेंगे ठीक है ना। तो आप बोलने की कहीं हिम्मत दिखलाओगे, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए, नहीं तो आप बाद में पछताइएगा। तो चलिए आप लोग तैयारी कीजिए, जो जैम की तैयारी कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। We'll be right back.